गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जिससे बात करने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। जैसे कि हमने अपनी स्टोरी में पहले ही बता दिया है कि आज हम मिलने वाले हैं संजोली बैनर्जी से। अब ये संजोली बैनर्जी कौन है? वैसे तो आपने उनके अकाउंट को अभी तक सर्च कर लिया होगा, जहां तक मुझे लग रहा है, जिन लोगों ने हमारी स्टोरी देखी है। बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, संजोली बैनर्जी इतने सारे अवार्ड अभी लेके बैठी हुई हैं और सिर्फ 22 साल की हैं और इतनी छोटी एज में इतने सारे अवार्ड लिए हैं उन्होंने। डायना अवार्ड रिसेंटली उनको मिला है यूके से, और डायना अवार्ड उनको मिलता है जो 9 साल से 25 साल की उम्र के बीच में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो ऐतिहासिक बन जाता है। तो कोई ऐसा जिसने सोसाइटी के लिए और हमारे ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हों, उनको मिलता है डायना अवार्ड। और पूरे वर्ल्ड वाइड नॉमिनेशन रहता है, उसमें से इंडिया में जिनको अवार्ड मिला है, आज वो हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, संजोली बैनर्जी। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हम्बल्ड कि करने वाले हैं। उनकी अचीवमेंट्स इतनी सारी हैं कि मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगी, और बोलने चले तो शायद 1 घंटा उनके अचीवमेंट गिनाने में ही निकल जाएगा। शी इज हियर विद अस। हेलो संजोली। Good evening, dear. How are you? Good evening, dear. How are you? Good evening to you. So glad to be here, ma'am. I'm very well, thank you. I hope I'm audible. Awaz aa rahi hai, main clearly dikh rahi hu. Yes, yes, perfect, 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 perfect. Okay, yeah, audible as well as visible. Yes, I'm so excited to be here. I was so eagerly waiting for the session. स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है 2003 से। ओके, 2003 में हमारी संजोली है जो आज आपके सामने है, ये बहुत छोटी एज में थी, करीब 4 साल की रही होंगी। और 2003 में इनकी छोटी बेटी, इनके पेरेंट्स की बेटी, इनकी बहन का जन्म हुआ। और जब 2003 में उनका जन्म हुआ, तभी इनके पेरेंट्स ने सोचा कि अब मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के को लेके अब हम आगे बढ़ेंगे, फीमेल फेटिसाइड को लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है, नॉट ओनली इन हरियाणा, शी इज फ्रॉम हरियाणा, बट पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ा इशू है कि हम फीमेल फेटिसाइड को लेके बात नहीं करते हैं, और ये अंदर ही अंदर बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। हरियाणा में रेशो बहुत ही कम है अगर मैं बात करूं गर्ल्स वर्सेस बॉयज का। तो जब 2003 की लोहड़ी आई, तो वो लोहड़ी इनके फादर ने नाम की बेटी बचाओ आंदोलन के नाम की, और वो अभियान स्टार्ट किया तब से लेके, और हमारी संजोली तो तब बच्ची थी, तब से लेके वो जुड़ती चली गई और कारवां आगे बढ़ता चला गया। बात आती है 2004 में, और 2004 में इन्होंने ये स्टार्ट करने के बाद 2009 में इन्होंने किया बेटी बचाओ धरती बचाओ आंदोलन, जिसमें कि इन्होंने एनवायरमेंटल से रिलेटेड चीजों को आगे बढ़ाया, उससे रिलेटेड इन्होंने बहुत सारे कैंपेन किए, और इनको यंगेस्ट एक्टिविस्ट के रूप में इनको ऑनर किया गया हमारे जो सीएम है भूपेंद्र हुड्डा जी। और इन्होंने यहाँ तक ही नहीं सीमित रहे, इनको इनके पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा अच्छी एजुकेशन दी, ऑस्ट्रेलिया भेजा पढ़ने के लिए। इन्होंने 45 किलोमीटर के दायरे में जितने 7 राज्य आते हैं उसमें जाके एक्सपीडिशन किया, तनु घर घर जाके कैंपेनिंग की, मतलब जिस एज में बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं तब ये नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, बच्चों को पढ़ाओ, उनकी उनकी जान बचाओ, फीमेल फेटिसाइड को लेके काम कर रहे थे। इट वॉज लाइक ओ माई गॉड, जिस एज में 22 साल की उम्र में बच्चे ये सोचते हैं कि अब हमें कॉलेज कंप्लीट करके क्या करना है, कहाँ हमें जॉब चाहिए, उस एज में संजोली डायरेक्टर है स्टार की एनजीओ की। शी हैज ऑलरेडी इनिशिएटेड सुशिक्षा प्रोग्राम, जो कि है मोबाइल एजुकेशन अवेयरनेस, वो इन्होंने स्टार्ट किया 2019 में। आई एम सो सॉरी द इंट्रो इज सो लॉन्ग बिकॉज इनकी अचीवमेंट इतनी ज्यादा है। फिर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी 100 आवर्स अपने दिए वॉलेंटियरिंग की, और वहां पर भी इन्होंने सोशल वर्क किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये पहली इंडियन है जिनको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक दिन के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। कैन यू बिलीव इट?
कितने ऑनर की बात है ये हम इंडियंस के लिए कि हमारे देश की एक छोटी सी बच्ची, मतलब मुझे कल्पना चावला के बाद अगर मैं किसी का ध्यान आता है तो सिर्फ संजोली का आता है, शी इज सो ग्रेट। फिर यूके में इन्होंने थैंक सिक्स मंथ यू स्टडीज की और 20 चेंज लैब में के अंदर इन्हें प्रोग्राम में ये सेलेक्ट हुई, और वहां भी इन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड काम किया। यूके से इन्हें डायना अवार्ड मिला है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। राइट नाउ शी इज स्टडिंग इन बैंगलोर मास्टर ऑफ सोशल वर्क, और ये प्रोजेक्ट भी करती है हैंडल, जिसमें ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव करने के ऊपर काम कर रही है। प्लस लायंस क्लब इंटरनेशनल ने इनको वॉइस ऑफ पीपल अवार्ड दिया है, और टॉप ऑफ दैट इन्होंने एक गांव भी अडॉप्ट कर लिया है। मतलब आप कितना सोशल वर्क करेंगे पहले ये बताइए संजोली, कितना किसी और के लिए कुछ छोड़ा है हरियाणा में या सब आप ही कर लेंगी? नहीं, थैंक यू फॉर दैट वेरी काइंड इंट्रोडक्शन मैम. आपने बहुत मेहनत करी है, मुझे दिख रहा है आपने बहुत एफर्ट्स डाले इतना रिसर्च वर्क करने में, सो रियली अप्रिशिएट दैट. बट मेरे को लगता है बस शुरुआत है, मेरे को अभी बहुत कुछ करना बाकी है, सो इट्स जस्ट बिगिनिंग. लोग अपने पूरे लाइफ स्पैन में इतना काम नहीं कर पाते जितने आपने इतनी सी एज में कर लिया है, एंड आई एम ये सो अब तक आई का एम सो सबसे प्राउड ऑफ लॉन्ग यू। इंट्रोडक्शन था, एंड आई थिंक कि बहुत सारी चीजें आई एम श्योर हमने छोड़ दी होंगी. सलोनी की इतनी ज्यादा अचीवमेंट है, इतने वो भी बड़े बात बड़े करेंगे। प्रोजेक्ट, चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है, फीमेल फिटिसाइड, इतना सब कुछ इतनी छोटी एज में. कैसे संजोली, हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल दिस? इतनी मेच्योरिटी, इतनी समझदारी, इतना, मतलब दिस इज समथिंग इनक्रेडिबल. अवार्ड ऐसे ऐसे मिले हैं विच हैव मेक हिस्ट्री, विच हैव मेड हिस्ट्री सीरियसली. एंड डायना अवार्ड हो गया, एक दिन के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई मीन दैट इज सो इनक्रेडिबल. आई एम देश ही नहीं, मतलब ये भारत की बेटी जो है विदेश में भी नाम कमा गई यार. बेटी हो तो लेट्स ऐसे ही लेट्स तनु। वेलकम हर विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. आई एम ओवरवेल्म्ड, थैंक यू. दैट इज अ लॉट टू डाइजेस्ट आज के लिए, बट थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली एक्नॉलेजिंग ऑल ऑफ दैट. और आपने पूछा कि मैं कैसे करती हूँ. आई थिंक नंबर वन इज इट्स द ग्रेस ऑफ गॉड हु कीप्स मी गोइंग, वो एनर्जी जो मिलती है, इनर स्ट्रेंथ, सो इट्स गॉड डूइंग दैट. बट उसके अलावा मेरे पेरेंट्स हु हैव गिवन मी द विजन. इतनी छोटी उम्र में ही हमें बता बिल्कुल दिया कि एक्टिविज्म क्या होता है, सेवा क्या होती है, हाउ डू यू लिव बियॉन्ड बिल्कुल योर बिल्कुल सेल्फ. तो उनको वाह बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, बिकॉज उन्होंने 5 ईयर्स की एज में बच्चा जो आप उसको दिखाएंगे, जो बनाएंगे, वो वही करेगा. तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे टॉयज देने के बजाय मुझे एक पर्पस दिया, सो दैट दे प्लेड अ वाह वेरी बिग रोल. वाह तो एग्जैक्टली। ये बहुत ही बड़ी चीज है कि पेरेंट्स को ये विजन दिख जाता है कि बच्चों को किस ओर लेके जाना है। बिग क्रेडिट गोज बिल्कुल, टू देम, नो डाउट नो इन डाउट, दैट। और नो डाउट. आप आपने बहुत छोटी सी उम्र में ही आपने ये सब कुछ, क्योंकि सब कुछ आपके सामने ही स्टार्ट हुआ है, तो छोटी सी राइट उम्र में मैम ही आपने सब कुछ देखा, तो जी, वॉज दैट द थिंग जिसने आपको इस चीज के लिए इंस्पायर किया? जब आप देखते गए इस चीज को, यू गॉट कंसर्न अबाउट दैट एंड यू कैप्ट मूविंग इन द सेम फ्लो, इन द सेम फील्ड, वॉज दैट द थिंग? एब्सोल्युटली. सर्टेनली वो बहुत बड़ा एक एक पुश फैक्टर था जिसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया उस फील्ड से. एग्जैक्टली जैसे सुरुचि मैम ने मेंशन किया, इट वाज अनन्या के बर्थ पे जो फर्स्ट टाइम हमने पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, तो हमें पता चला कि क्या क्या, मतलब कितनी रैम्पेंट है ये प्रॉब्लम इंडिया में. और हम अगर आज चुप रहेंगे तो हम वी विल बी डूइंग सम इनजस्टिस. तो हमारी कोई ट्रू मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वी स्टैंड अप अगेंस्ट दिस. तो तब पापा और मामा ने इकट्ठे इनिशिएटिव लिया, तो हमें हमने ज्वाइन किया. तो जैसे अभी कोविड ने हमें न्यू नॉर्मल्स इंट्रोड्यूस करवाया, मुझे लगता है मैं न्यू नॉर्मल को तभी इंट्रोड्यूस कर लिया था, क्योंकि फॉर वाह बिल्कुल मी रेजिंग स्लोगन्स वाज नॉर्मल फॉर मी. मतलब मैंने कभी टीवी नहीं देखा बचपन में, मैंने टॉयज के साथ इतना नहीं खेला. मेरे लिए नॉर्मल था कि लोगों को मिलना या लोगों से बात करना, या वो येलो कलर के एप्रन डाल के जिसपे ऊपर लिखा होता था कन्या भ्रूण हत्या पाप है, तो वो एप्रन डालकर जगह जगह जाना, कभी टोल प्लाजा पे कभी प्रोग्राम हो रहा है, कभी बस स्टेशन पे, कभी एडमिनिस्ट्रेशन को मिल रहे हैं. मैं पोएम सुनाती वाह थी, मेरी एक पोएम होती थी कि मैं वह मोती हूँ. तो वो एक अनबॉर्न डॉटर की एक प्ली थी कि मुझे पैदा होना है, ये दुनिया देखनी है. तो
वो पोम सुनाती थी इंग्लिश में, एक पोएम पापा ने लिखी थी, होल्ड मी पापा होल्ड मी. सो दोस पोम्स वो बहुत ही सेंसिटाइज करने के लिए हमारे एक टूल था कि जब एक छोटा बच्चा वो पोम सुनाता है अपने इमोशंस के साथ, तो बहुत बड़े बड़े लोग भी भावुक हो जाते हैं और वो ग्रेविटी समझ पाते हैं प्रॉब्लम की. तो वो सारी चीजें बचपन में करी और पता ही नहीं चला कि कैसे वो मेरी लाइफ का मकसद बन गया अल्टीमेटली. तो उसके बाद इट वॉज माई ओन चॉइस कि आई एक्चुअली चोज दिस फील्ड. मैंने पहले सोचा कि कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, इतने साल से एक्टिविज्म और वही चल रहा है, तो इसीलिए मैंने ऑस्ट्रेलिया जाकर सिक्योरिटी स्टडीज पढ़ा, जो कि इस फील्ड से काफी अलग था. बट वहां जाकर भी यही रियलाइज हुआ कि डेफिनेटली सोशल वर्क और सोशल सर्विस ही कुछ ऐसा है जो मेरी ट्रू कॉलिंग है, जो मेरी पैशन है. तो आई मेड आई स्विच्ड बैक एंड आई मेड अ कम बैक टू सोशल वर्क, और अब मैं उसी में डिग्री कर रही हूँ, उसी में काम कर रही हूँ वाह, ऑस्ट्रेलिया में. वहां पर अपना करियर छोड़कर आई एम बैक टू इंडिया इन माई होम लैंड. सो आई एम रियली हैप्पी. वाज जस्ट एंड यू कमिंग नो ऑन द सेम सुरुचि, पॉइंट. हाँ सुरुचि, आई चलो. फील सो ग्लैड यू नो व्हेन दिस यंग जनरेशन इज सो मच सेंसिटिव अबाउट दीज बिग इश्यूज. मतलब ऐसा लगता है कि या दे आर नॉट यू नो गोइंग टुवर्ड्स फैशन और दे आर गोइंग टुवर्ड्स नहीं हमें कुछ ऐसा करना है, पैसा कमाना है. मतलब इस एज में यू आर थिंकिंग अबाउट डूइंग दिस सोशल वर्क ऑन सच बिग इश्यूज. शी इज डायरेक्टर ऑफ सारथी एनजीओ, डायरेक्टर. ट्रू, लुक एट हर, सीरियसली वी आर वही सो ना. प्राउड. नहीं, ग्राउंड पे तो संजोली काम करती ही है, ग्राउंड पे तो रह के साथी के साथ में काम करती है. प्लस मैंने ये देखा है कि आईलेट्स के एग्जाम के लिए भी टिप्स देती हैं बच्चों को और बताती हैं कि कैसे आप क्लियर कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, विच इज सो ग्रेट. मतलब हर तरीके से आप भलाई कर रही हैं, लोगों के काम आ रही हैं. मेरा क्वेश्चन यही था आपसे कि जब आपने ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ाई की, यूजुअली हर कोई ये सोचता है यंगस्टर कि हम बाहर जाएंगे, वहीं से अच्छा पैसा कमाएंगे, वापिस आए भी तो वी आर गोइंग टू बिल्ड अ करियर. बट आपने जी जो चुना वो बिल्कुल ही बिल्कुल डिफरेंट चीज थी. कोई भी सोशल वर्क को अपना फर्स्ट ऑप्शन लेके नहीं चलता. तो आपने बताया कि आपको वहीं पे ये एक इनर कॉल थी कि नहीं मुझे यही करना है, राइट? जी मतलब वहां पर भी जाके आपका मन नहीं बदला है. कौन सी वो एक ऐसी चीज थी विच ड्राइव यू बैक? मैम, एक्चुअली ये दिस इज अ पर्टिकुलर इंसिडेंट दैट आई वुड लव टू शेयर. मैं एक्चुअली जब एएनयू में थी, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में ऑस्ट्रेलिया में थी, तो वहां से एक सेमेस्टर के लिए मैं यूके गई थी पढ़ने. और वहां पर एक्चुअली एक दिन मैं वैसे ही अपना कुकिंग वगैरह कर रही थी हॉस्टल में, और मुझे ये रियलाइजेशन हिट करती है कि मैं आई एम जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, तब की बात है, और मैं ऑलरेडी 3 कंट्रीज में रह चुकी हूँ. मुझे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रही है, और उसमें मतलब उसमें मेरे पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है कि भी वही जो है मेरे को स्पॉन्सर कर रहे हैं, मेरे को भेजा उन्होंने. तो आई थॉट कि आई एम बिल्कुल एक्चुअली अमंग वेरी फ्यू प्रिविलेज्ड इंडियंस और इंडियन फीमेल्स जिनको ये इतना बड़ा एक लग्जरी मिली है कि भी इतनी जगह रहना और इतना पढ़ना. तो दैट इज व्हेन मेरे को ये थॉट आया कि ये जॉय अपने तक ना सीमित रख के आई वॉन्टेड टू शेयर दिस जॉय विद अदर फेलो इंडियंस. तो मुझे लगा कि ये बेस्ट तरीका क्या है. बेस्ट तरीका यही है कि आप उनको एजुकेट करें. तो जब मुझे अच्छी एजुकेशन मिली है, तो मुझे तब हॉलिस्टिक एजुकेशन के मॉडल का आइडिया आया एंड आई वर्कड ऑन इट. ओके मैंने अपनी सिस्टर अनन्या को कांटेक्ट किया कि विल यू बी इंटरेस्टेड इन समथिंग लाइक दिस, और उसकी और मेरी सोच बहुत मिलती है. तो हमने फिर इकट्ठे इस पे काम करना शुरू किया एंड वी लॉन्च्ड द स्कूल विद द सेम मोटिव. तो सुशिक्षा जो है वो स्कूल के अपार्ट जो है आपकी हॉलिस्टिक एजुकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करता है. और वो आइडिया वहीं से आया कि भी मैं बहुत लकी हूँ, तो और लोग जो इसके डिप्राइव्ड रहते हैं, दे डोंट गेट दिस अपॉर्चुनिटी, तो दे शुड ऑल्सो रिसीव द जॉय. तो वहां से शुरुआत हुई और अभी 1.5 ईयर हो गए एंड वी आर डूइंग वेरी वेल. आई एम वेरी ग्लैड कि हम बहुत बच्चों तक पहुंच पाए हैं. 150 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था फर्स्ट डे, और इतने स्टूडेंट्स को उनको इम्पैक्ट करना, इट इज आई थिंक ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स ने भी हमें चूज किया है कि ये काम दिया बिल्कुल है कि यू यू डू बिल्कुल दिस जॉब. तो मोर देन मी डूइंग इट, आई थिंक देयर इज सम सुपर पावर अराउंड मी दैट इज एक्चुअली कीपिंग वाओ, मी ग्रेट. सो दैट्स यू इट. योर सेल्फ इज द सुपर पावर, सीरियसली. चलो सीरियसली, जितने भी हम लोगों को बुलाते हैं यंगस्टर्स को, उनको देख के यही लगता है यार कि एज कुछ मैटर नहीं करता है. एज मैटर करती ही नहीं है. यस
मैच्योरिटी आती है जब आपको एक्सपीरियंसेस से, बिल्कुल और कितनी मैच्योर बातें हैं। हम जनरली 50 साल के हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, और हम लोग इतनी ये समझ रख ही नहीं पाते कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं हम अकेले भी। वो कहते हैं ना कि हमारे अकेले के करने से क्या होगा, जबकि अगर मैं इन सबको देखती हूँ तो मुझे इतना मोटिवेट फील होता है कि एक ही सोच से, मतलब एक जरा सा सोच आई कि नहीं ऐसा करते हैं, देन शी डिस्कस, देन अभी वो देखो हमारे सामने है वो चीज, है ना। जी तो बिल्कुल करने से बिल्कुल क्या नहीं हो सकता यार, मतलब आई एम फीलिंग सो वाह, थैंक इंस्पिरेशनल। यू। शी इज द यंगेस्ट इंस्पिरेशन आई थिंक ना, स्पेशली ऑन आर चैनल टिल डेट शी इज द यंगेस्ट इंस्पिरेशन। तो सलोनी, यू आर एन इंटरना संजोली, यू आर एन इंटरनेशनल पर्सनालिटी राइट, एंड आप बहुत सारे जगह पे एज अ चीफ गेस्ट भी आपको बुलाया जाता है, बहुत सारे इवेंट्स आप एड्रेस करती हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करती हो, तो डज इट मोटिवेट्स यू लाइक, मतलब इतनी छोटी एज में एवरीवन इज लिसनिंग यू, एवरी न्यूज़पेपर इज कवरिंग यू नेशनली इंटरनेशनली, हाउ डज इट मोटिवेट्स यू? एब्सोल्युटली मैम, पहले तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ एन ऑनर, पहले तो इट्स वेरी हम्बलिंग कि भी इतनी जगह तक मैं पहुंच पा रही हूँ। और मोर देन दैट, मुझे लगता है वो मेरे लिए पर्सनली बहुत एक ऑफ कोर्स एक एक्सपीरियंस है, बट इट इज ऑल्सो मीडियम कि मैं और लोगों तक पहुंच पाऊँ। तो मैं अगर अपने गाँव में हूँ तो मीडिया जो है इट हेल्प्स मी रीच मोर पीपल, सो दैट इज डेफिनेटली यू नो वन बिग पॉइंट। और चीफ गेस्ट की तरह जाना या कहीं भी ऐसे इन्वाइटेड होना, आई थिंक इट्स एक्चुअली शेयरिंग माई ओन जर्नी एंड प्रिपेयरिंग अ न्यू आर्मी ऑफ चेंज मेकर्स। आई थिंक कि भी वाह और लोग जो है, और बच्चे जो है या और यंग जनरेशन के जो लोग हैं वो इंस्पायर्ड हों। बहुत हर एक की अपनी शेयर ऑफ स्ट्रगल रहती है, बहुत प्रॉब्लम्स हर बिल्कुल एक की लाइफ में है, बट कुछ लोग यस उससे यस हार मान के बैठ जाते हैं। तो समवेयर आई एम देयर एज एज यू नो एज अ सिंबल कि भी प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में है, बट यू गो यस अहेड एंड ट्रू यू लिव विद द पर्पस। तो अपने लिए हर कोई बिल्कुल जीता है। मैं आई कीप सेइंग दिस लाइक एवरी टाइम, बट किस लाइक औरों के लिए जीना इज समथिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर। तो यही वाह मेरा बिल्कुल, मोटिव है कि आपकी यू नो एक एक बात जी तो स्लोगन है, एक एक बात कोट है। जैसे कि आपने थैंक बोला कि ये सब चीजें आपको मोटिवेट करती हैं, और आपने अभी बोला कि बहुत सारे हर्डल्स प्रोग्राम्स भी आए, तो इंस्पायर कौन किया आपको, मतलब आपकी बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन है? आई मीन आपकी फैमिली भी शुरू से ही इसी चीज में है, तो फैमिली ही आपकी इंस्पिरेशन है या आपको कुछ और भी देख के इंस्पिरेशन मिलती है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं मैम। एक इंस्पिरेशन को पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एक्चुअली कहीं तो मेरी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मेरे इनर मोटिवेशन बहुत है। आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, और वो बहुत सारे फैक्टर्स से आता है कि फैमिली का भी रोल है उसमें। उसमें आप किस तरह की बुक्स और कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो आप यू यू डेवलप योर इनर स्ट्रेंथ। तो दैट इज नंबर वन। नंबर टू, आई थिंक बहुत सारे यंग लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मैंने ऑस्ट्रेलिया में यंग लोग देखे, तो जैसे वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जजीरी ऑस्ट्रेलिया करके, जिन्होंने मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की अपॉर्चुनिटी दी। तो उनकी जो फाउंडर है वो भी मुझसे कुछ 1-2 साल बड़ी है, तो वो शी इज डूइंग सम फिनोमिनल वर्क। उसके अलावा इंडिया में कुछ ऐसे यूथ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रू इनफैक्ट भी रजावत है एक जो सरपंच बनी इंडिया के, उन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई करी थी, शी वेंट टू हार्वर्ड और वहां पे अपनी लाइफ छोड़ के शी केम बैक टू बिकम अ सरपंच। तो मैं बहुत छोटी सी वाह थी जब मैंने वो न्यूज पढ़ी, वाह और वो मेरे दिमाग में बैठ गया कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है। कि आप हर जगह जाओ, आप हर जगह पढ़ो, एक्सपोजर लो, ग्रो योर सेल्फ, बट अल्टीमेटली आकर अपने जो आप देश के लिए जो कर सकते हो, आई थिंक दैट इज अनपैरेलल्ड। मैंने वहां पर भी अपनी बिल्कुल कोशिश करी पूरी, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, आई ट्राइड सर्विंग पीपल एंड आई डिड, बट जो खुशी अपने देश में अपने लोगों के लिए काम करके है, आई थिंक दैट इज नॉट देयर। जो आप एक एक इमोशन के साथ कि कंट्री हैज गिवन यू सो मच, द सोसाइटी हैज गिवन यू सो ट्रू मच, ट्रू यू वॉन्ट टू गिव बैक, तो वाह बस वही वही बिल्कुल श्रुति, इंस्पिरेशन रहती है। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जो कि मैं आई एम फीलिंग सो ग्लैड अबाउट इट, कि पहले एक टाइम था जब इंडिया में स्टडीज होनी बहुत मुश्किल होती थी, लोग फॉरेन कंट्रीज जाके पढ़ते थे, बट हाँ समहाउ क्योंकि इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज
उनको लगता था नहीं है या वो कुछ कर नहीं सकते, ऐसा माइंड सेट था, तो वो फॉरेन में सेटल हो जाते थे. आई मीन एक एरा था जिसमें लोग फॉरेन जाके फॉरेन ही सेटल हो जाते थे. एंड अब एक ऐसा एरा हमारी यंग जेनरेशन ला रही है कि वो ट्रू फॉरेन से पढ़ के इंडिया में आके दे आर डूइंग सच इनक्रेडिबल वर्क. दिस इज सो कमेंडेबल. आई एम सो प्राउड ऑफ माई कंट्री, दीज सिटीजन्स. या जिन्होंने ऐसे बच्चे बनाए, जो बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, दे कैन बैक टू देयर कंट्री एंड दे आर डूइंग सो वेल फॉर द सोसाइटी एज वेल एज कंट्री. वाओ संजोली, आई मीन बिल्कुल, इट्स संजोली इट्स कमेंडेबल. ने ड्रेन ड्रेन यस, को तो मात दी है, कुछ भी कहो. बिल्कुल अच्छा मात दी है. अरे क्या, नहीं थैंक सीरियसली, अगर इतना अच्छा टैलेंट किसी दूसरी कंट्री में जाके वहां पर सब करता, विच इज ऑल्सो गुड, बट हमारे यू, लिए अगर आप कर रहे हो तो कितना अच्छा है. मतलब उन बच्चों के लिए तो बहुत आप एक अच्छा. ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है, बिकॉज अगर आप उनके लिए नहीं करती तो पता नहीं कितनी बच्चियों को एजुकेशन मिल भी पाती कि नहीं मिल पाती, है ना. लोग बिल्कुल जल्दी शादी कर देते हैं, पैदा होने से बिल्कुल पहले ही मार देते हैं, तो कितने लोगों के लिए, आप स्पेशली फॉर गर्ल्स, आई मीन यू आर ट्रूली अ ब्लेसिंग. अच्छा संजोली, अभी मेरे दो क्वेश्चंस हैं. एक तो ये कि आप थोड़ा सा सारथी के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए, दूसरा सु शिक्षा कैसे काम करता है इसके बारे में बताइए, और एक जो नॉर्मल इंसान है, जैसे मैं एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ, आपके जितने और अच्छे मैं काम भी नहीं हूँ, किया अभी. मैं बहुत ऑर्डिनरी हम जैसे लोग आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं ये बताइए. हूँ. जी बिल्कुल. सो सारथी बेसिकली इट वाज ओरिजिनली फाउंडेड बाय माय फादर एंड वन ऑफ हिज यस. फ्रेंड्स. तो उन्होंने शुरुआत करी, उनको भी इसी में इंटरेस्ट था और वही मेरे मेरे ब्लड में मुझे मिला. तो वहां से उन्होंने जो है वो बहुत मतलब बेसिक लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे और सिर्फ गांवों तक सीमित थे. फिर धीरे धीरे हमने फीमेल फिटिसाइड प्रोजेक्ट लॉन्च किया. फिर आपने जैसे मेंशन किया धरती बचाओ सेव डॉटर सेव अर्थ कैंपेन लॉन्च किया. तो एंड देन शिक्षा जो है वो भी इन कोलैबोरेशन विद सारथी है. तो हाँ दिस वे बी केप्ट एक्सपैंडिंग एंड करेंटली वी हैव दीज थ्री प्रोजेक्ट्स अंडर सारथी. और 180 वॉलेंटियर से ज्यादा हैं जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो किसी ना किसी शेप में कंट्रीब्यूट करते हैं इन कैंपेन्स को चलाने में, और उनका बहुत बड़ा रोल है. आई थिंक वही बात है कि मैं अकेले जो है आई कैन नॉट बी दैट पावरफुल. मैं हमारे साथ जब हम कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी हाँ फंक्शन करते हैं तो मैं उनका रोल डिनाई नहीं कर सकती. जो वॉलेंटियर्स हैं हमारे साथ, ट्रू 12 टीम मेंबर्स हैं मेरी एज के और मुझसे छोटे, जो कि अलग अलग टीम्स मैनेज करते हैं हमारे साथ. तो एक पूरी एक चेन है हमारी. तो दैट इज हाउ सारथी इज रनिंग. अगर किसी को इंटरेस्ट हो और जानने में तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट. इट्स कॉल्ड एनजीओ सारथी डॉट ऑर्ग. तो एनजीओ SARTHI.org तो वो वेबसाइट है. और मेरा अगर काम कोई देखना चाहता है तो मेरी वेबसाइट है SanjoliBanerjee.com. और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे ही ऑप्शन है, आप रजिस्टर कर सकते हैं एज अ मेंबर. एंड आप जैसे रजिस्टर करते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे टीम तक पहुंचती है एंड देन वी टेल यू द फर्दर स्टेप्स. तो उस वाह तरीके से कोई भी तरीके से आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. हम अभी फंडिंग्स और कोई भी डोनेशंस नहीं लेते, तो मॉनेटरी कोई हेल्प नहीं लेते. इट्स एंटायरली सेल्फ फंडेड. तो उसके अलावा अगर कोई आप अपना टाइम दे सकते हैं, अपना श्रम दान कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम टू डू दैट. और उसके अलावा वाह जो स्कूल शिक्षा है वो जो है वो एक मोबाइल स्कूल है. मोबाइल स्कूल इट मींस कि कोई फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. जैसे स्कूल्स होते हैं उनका कोई फिक्स्ड बिल्डिंग होती है, हमारा ऐसा नहीं है. वी कीप मूविंग थ्रू आउट द विलेज. तो कभी हम खेतों में बैठ के पढ़ाते हैं, कभी गुरुद्वारे के आंगन में पढ़ाते हैं. तो इस तरीके से चलता रहता है. और हमारा मेन एम ये है कि गाँव के बच्चों को और शहर के बच्चों को कनेक्ट करवाया जाए. और उनमें जो गैप रहते हैं, मोस्टली हम हाँ देखते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं या गांव के बच्चे, उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है. उनको फील करवाया जाता बिल्कुल. है कि वो इंफीरियर है. तो वो गैप को प्लग करने की कोशिश है. और कि भी अगर किसी को डांस आता है तो यहाँ से कोई शहर का बच्चा डांस सिखाने वहां जाएगा, वो सब इकट्ठे डांस करेंगे, इकट्ठे ड्राइंग करेंगे, इकट्ठे नुक्कड़ नाटक सीखेंगे. और ऐसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया, डॉक्टर्स आते हैं सेशंस देने, तो न्यूट्रिशन पे, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल पे. तो जितना एक्सपोजर हो सकता है जो स्कूल जनरली मिस आउट कर देता है, या सोशल हाँ अवेयरनेस है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है कि संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपके राइट्स क्या है,
तो इस तरह की चीजें जो है वी टीच, सिर्फ वीकेंड्स पे जाते हैं और गेम्स और रिक्रिएशन के थ्रू उनको ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, तो मजा आता है, हमें भी बहुत मजा आता है, उन्हें भी आता है, बिल्कुल, और कुछ अच्छा कुछ चल रहा है कनेक्ट हो रहा है तो। मुझे यहाँ, कुछ कुछ कनेक्ट हो रहा है मुझे यहाँ सुरुचि। हमारी एंशियंट हिस्ट्री में ऋषि मुनि ऐसे ही पढ़ाते थे, यही चीजें सिखाते थे, ये वही बिल्कुल चीज संजोली जो है दे रही है बच्चों को, विच इज वेरी बिल्कुल गुड, जो नहीं मिलता है अभी आजकल के स्कूल्स में, नहीं मिलता है ये वाला एक्सपोजर। जी, जी, तो ये और सब परंपरा को आगे लेकर जाने की आगे कोशिश लेके है। जाना है, आगे लेके जाना है। दूसरी बात ये है कि जिन बच्चों के पीछे संजोली बैनर्जी खड़ी है वो तो सुपीरियर ही सुपीरियर है। क्यों? अच्छा ये बताइए कि बिल्कुल अभी सारथी सिर्फ हरियाणा में वर्किंग है या बाहर भी आप लोगों की ब्रांचेस हैं, या जैसे हम लोग महाराष्ट्र में हैं, तनु छत्तीसगढ़ में है, वहां के लोग भी जी आपसे जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, कहीं से भी जुड़ सकते हैं, फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड। किस तरीके से आपकी सर्विसेज लेनी है वो हम डिसाइड करेंगे, उस पर काम करेंगे और हम आप तक कनेक्ट करेंगे। बट अभी ओके अगर आपको स्कूल शिक्षा में टीच करना है उसके लिए तो फिलहाल आपको गांव आना पड़ता है, बट उसके अलावा फीमेल फिटिसाइड कैंपेन और एनवायरमेंट कैंपेन आप अराउंड द वर्ल्ड कहीं से भी रन कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया एक्टिविज्म भी चलता है तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत सारे इवेंट्स चलते हैं। अभी रिसेंटली हमने लास्ट मंथ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 1 वीक में 7 डेज में 7 स्पीकर्स थे और उन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल हेल्थ पे बात करी, तो वो ऑनलाइन था सब कुछ, तो पूरे पूरे वर्ल्ड से एक्चुअली लोग हमारे साथ जुड़े थे। तो हाँ और साथ में हम चैप्टर्स ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने जैसे बोला कि आप वहां पर हैं, तो उसमें ये होगा कि अलग अलग सिटीज में चैप्टर्स होंगे, तो आप वहां पर भी कैंपेन्स हम ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, तो उस पर अभी काम चल रहा है। अभी ओके हमारी टीम में केरला और असम से लोग जुड़े हैं, तो वो लोग ध्यान रख रहे हैं इन चीजों का, सो वी आर वर्किंग ऑन इट, तो वेरी सून वी लॉन्च आवर चैप्टर्स हाँ ऑल्सो। वाह, चलो ऐसा नहीं लगता, कितना छोटा महसूस होता है। जब मैं संजोली की प्रोफाइल देख रही थी और जब मुझे पता लगा कि ऐसी कोई बच्ची है, मतलब मुझे ऐसा लग पता रहा है था एवरी हाउ डम, हाउ अनअवेयर आई एम, बिकॉज आई डोंट जी, नो बिल्कुल अबाउट सही, हर, मुझे ऐसे कैसे पता नहीं नहीं। संजोली पता संजोली एवरी एवरी हाफ एन आवर ना हम एक दूसरे कॉल करके बोलते हैं, अरे ये तो रह गया, अरे उसने ये भी किया है, अरे वो डायना अवार्ड भी ले चुके हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनी है, अरे कितना कुछ है। अभी वी वर लाइक दिस, ये भी अभी बोल दिया संजोली ने जाए बोला कि कि अभी ये मैं हो वो जाए। थिंकिंग कर रही हूँ, अभी मुझे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा आपकी सारी चीजों को एक्चुअली थिंकिंग करने में, कितनी मेहनत लगी होगी, और ये एक दो साल की मेहनत नहीं है तनु, 17-18 साल की बिल्कुल मेहनत है उनकी, और जो अब रंग ला रही है इतना अच्छे लेवल पे, और मोर पावर टू यू गर्ल, मोर पावर टू यू, थैंक सीरियसली। यू सो एंड मच, इनके पेरेंट्स आपने देखो बहुत जिन्होंने आज मुझे मतलब, अप्रिशिएट कर दिया है, आपके जैसे लोग जब ऐसे तो यू अप्रिशिएट करते हैं तो टोटली अगले डिजर्व 5-6 दिस, साल की एनर्जी आ गई है मेरे में ऑलरेडी अभी। अगर यू आपके टोटली अंदर डिजर्व इतनी दिस सी भी गर्ल। एनर्जी आ पाए हमारी वजह से, और आप और अच्छा काम कर पाए, यस आपके चेहरे यस पे यस स्माइल आए, दैट मीन्स हमने अपना सोशल वर्क कर दिया, मुझे तो ऐसा ही कर दिया। लगेगा। एब्सोल्युटली नो बिल्कुल डाउट अबाउट इट। और मैं एक और छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ, सॉरी, आपने बोला कि आपको छोटा फील हो रहा है, ऐसे बिल्कुल मत बोलिए, और एक्चुअली आप अकेले नहीं है, मुझे कई लोगों ने ऐसा बोला है आकर, और ये इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू हियर, क्योंकि हर कोई अपनी जगह पे बहुत कुछ कर रहा है। आप अपनी जगह जो है किसी तरह से कंट्रीब्यूट, आप इतनी स्टोरीज को हाईलाइट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ सर्विस। तो हमारा सबका अपना मीडियम है, अपना जरिया है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। मेरा टैलेंट इसमें, मेरा मेरा मैथ बहुत बुरा है, मेरा साइंस बुरा है, मेरे को उस फील्ड में कुछ नहीं आता, सेम। मैं स्पोर्ट्स में बहुत बुरी हूँ, तो अब हर एक की अपनी स्पेशलिटी है, और कोई भी आज जो व्यूअर्स आपके हैं, फॉलोअर्स हैं, वो ये आज ये सोच के ना जाएं कि भी वो किसी तरह से कम है, एक्चुअली हर एक में बहुत पावर है, और आप बहुत कुछ कर चुके होंगे, आपको आइडिया भी नहीं है, और बहुत कुछ आगे भी कर सकते हैं। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मेकिंग अ चॉइस। अगर आज आप प्लास्टिक बैग यूज करने बजाय अपना घर से कपड़े का बैग लेकर जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल वर्क और सोशल सर्विस। तो छोटी बिल्कुल छोटी चॉइसेस हैं, आज आप बिल्कुल शॉपिंग कम करें और किसी का ध्यान रखें, आई थिंक दिस स्मॉल थिंग्स कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द चेंज मेकिंग, तो बिल्कुल बड़ी बड़ी बिल्कुल चीजें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
नहीं, हर कोई अपने लेवल पे तो काम कर ही रहा है, बट अगर आपके जैसे पर्सनालिटीज का थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल जाए, एक थोड़ा सा रास्ता मिल जाता है लोगों को, तो बहुत लोगों को ना क्या होता है संचोली, कि हम लोगों को मतलब ऐसे नॉर्मल लोगों को ये नहीं पता होता, वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, लेकिन करें कैसे, थोड़ा रास्ता नहीं मिल पाता है ना, क्योंकि आपके जितना टैलेंट, आपके जितना गट, हर किसी के पास से होता है कि अकेले ही खड़े होके एक सारथी खड़ा कर दिया, एक सुशिक्षा खड़ा कर दिया, हर किसी के अंदर वो हिम्मत, टाइम, कंडीशन, सिचुएशन, नहीं होती। सर्कमस्टांसेस नहीं होते, लेकिन आपके जैसे लोगों का जब उन्हें साथ मिलता है ना, तो उनके अंदर भी हिम्मत आती है, उनको भी आप मोटिवेट करते हो, वो आपके साथ जुड़ते हैं, और फिर बिल्कुल वो अपना जो करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए वो मिल बांट के कर लेते हैं। तो आपका तो बहुत बड़ा रोल है, खैर आप बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं और उनको रास्ता दिखाते हैं कि हमारे साथ जुड़िए और इस तरह से हम सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं, है ना तनु? बिल्कुल यार, पता है ऐसी फील मुझे जय शर्मा के साथ भी आई थी। जय ने भी हम साफ साफ बोला था कि आपको जो जिस फील्ड में करना है, दिस कांटेक्ट, वंस कांटेक्ट, हम उसी फील्ड में आपको सोशल वर्क करवा देंगे। वही चीज संजोली भी कह रही है, संजोली के साथ जुड़ने का भी बहुत ही इजी सा वे है उन्होंने बताया। तो जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जी जय शर्मा का मैंने इंटरव्यू देखा था आपके शो पे, इट वाज अमेजिंग। वो भी बहुत इंस्पिरेशनल है, जब मैंने उनके बारे में, उनके एफर्ट के बारे में पढ़ा, वेरी इंस्पिरेशनल। गॉड एक्चुअली नोज मैंने, एक दिन ऐसा आएगा कि आप, मैं, जय शर्मा, तनु, हम सब एक साथ होंगे, मिलेंगे। एक साथ बिल्कुल बिल्कुल। ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए मैंने हमेशा से बहुत मेरे को रहा है कि भी अगर मेरे पेरेंट्स का इतना बड़ा रोल था कि उन्होंने मुझे पर्पस दिया, तो कितने बच्चे उससे वंचित रह जाते हैं कि उनके पेरेंट्स नहीं, और विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ देयर्स। तो ही इज डूइंग वेरी वेरी फिनोमिनल वर्क, एंड आई एक्चुअली मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया था कि अगर मैं किसी तरह से हेल्प कर पाऊँ तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं आई रियली वॉन्ट कि भी मैं कुछ ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए भी कर पाऊँ। मेरे पेरेंट्स ने इनफैक्ट एक स्टूडेंट को अडॉप्ट किया है जो कि ऑर्फन है, बट अभी हमने तो एक से शुरुआत करी, उन्होंने तो इतने सारे बच्चों को अडॉप्ट किया है, सो इट्स यो तो अमेजिंग। यहाँ मैं आपकी बात रिपीट करूंगी। हम हर हर हम ये बंदा, हम में से हर कोई अपनी अपनी जगह पे अपने अपने टाइप का सोशल बिल्कुल वर्क कर रहा है, जैसे बिल्कुल कि आपने कहा था कंट्रीब्यूट एग्जैक्टली कर रहा है। तो यू आर ऑल्सो डूइंग बिल्कुल सो सो इनक्रेडिबल वर्क। जय भी कर रहा है, बहुत सारे हम यही स्टोरीज तो लेकर आते हैं, ये हिडन स्टोरीज, उनको हाईलाइट करते हैं ताकि देखने वालों को मोटिवेशन मिले और लोगों को पता चले कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू डू दिस वर्क। एट एनी एज यू कैन डू दिस, सो हाँ, और अमेजिंग। कैसे जुड़ना, सो कैसे है आपके साथ कैसे जुड़ना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पता लगता है लोगों को या देखने के बाद। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। तो संजोली, जैसे ये तो बातें हो गई, ग्राउंड लेवल पे आप जब एक्चुअल काम करने जाती हैं, ठीक है, ये तो हमने सुना सब कुछ, लेकिन फील्ड में अलग रहता है, सब कुछ अलग रहता है, राइट? थ्योरेटिकली बताने में सब अलग रहता है, लेकिन फील्ड पे जब आप काम करने जाएंगे तो वहां के हर्डल्स, चैलेंजेस सब अलग रहते हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं ऑन ग्राउंड लेवल ये सब काम करते हुए? मैम, बहुत चैलेंजेस, डे टू डे चैलेंजेस तो आते ही हैं, विच आर नॉट दैट बिग, वो इजिली हम ओवरकम कर पाते हैं, बट सम ऑफ देम आर एक्चुअली बिगर चैलेंजेस। जैसे अ लॉट ऑफ टाइम्स, क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ और मैं बहुत यंग एज की हूँ, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स अ लॉट ऑफ पीपल वोंट टेक अस सीरियसली। तो वेन वी हाँ वुड बी देयर आउट देयर इन द फील्ड, हम उनको मैसेज दे रहे हैं कि बेटियों को बचाना जरूरी है, तो उनको वो कहेंगे अरे ये तो बहुत छोटे हैं, इनको क्या पता, या इनको क्या ये तो नया पता, नया बिल्कुल जज्बा है इनमें, अरे इनका बहुत अभी फ्रेश एनर्जी है, दे डोंट नो अबाउट द वर्ल्ड। तो ये सारी चीजों में कई बारी हमें मतलब सीरियसली नहीं लिया जाता था, वी वुड बी डिसमिस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, सो दैट वाज वन बिग चैलेंज। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्चुअली जैसे अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या और स्टेक होल्डर्स हैं, स्कूल्स हैं, उनकी सपोर्ट नहीं मिली है हमें बहुत ज्यादा, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स वो या तो लैक ऑफ विलिंगनेस हम कह सकते हैं रही है, या मतलब कुछ इनसिक्योरिटीज रही हैं। जैसे कि एक बारी गांव में, जिस गांव में मैं काम करती हूँ, उनको लगा कि वहां के लोगों को लगा कि मैं शायद से आगे इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये ओ काम कर रही हूँ, तो मैं आई वाज कहीं अबाउट टू गद्दी पर से चली गई। दिस, तो
या यू हैव दिस मेंटालिटी इनसिक्योरिटीज है, अनविलिंगनेस है, होती है. और अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. जैसे अब हम वहां के लोकल स्कूल में गए कि हमारा प्लान था कि हम स्कूल शिक्षा जो है स्कूल में स्टार्ट करें ताकि हम ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए. हम जब स्कूल के बाहर हैं तो हम कुछ 100-150 बच्चों को केटर कर पाते हैं, बट अगर हम स्कूल में होंगे, हम ज्यादा बच्चे, ज्यादा वॉलंटियर्स, तो मैक्रो लेवल इम्पैक्ट हो सकता है. तो और बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें मिल सकता है स्कूल का, तो हमें वो चिंता नहीं. तो वी थॉट कि वी विल कोलैबोरेट विद द स्कूल. तो स्कूल का भी फायदा है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट मॉडल है और हमारे हमारा मोटिव फुलफिल होते हैं कि स्टूडेंट्स. बट द स्कूल सेट कि आप हमें फंड्स दीजिए, आप हमें इतना इतने से इतने लाख रुपए दीजिए, कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें, एंड देन वील थिंक कि आपको प्रोजेक्ट को लेना है कि नहीं, जबकि वो काम लेना है कि हमारा नहीं. नहीं है. हाँ एज एन एनजीओ वी आर नॉट सपोज टू फंड अ गवर्नमेंट स्कूल. तो ये सारी चीजें जब आती है ना, तो ये चैलेंजेस बहुत कई बार डिस्करेजिंग भी हो जाते हैं. फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो दे कम फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड, तो उनके लिए प्रायोरिटी रहती है इनकम, उनके लिए प्रायोरिटी है खाना, उनको है कि कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूट करे, बट उस कारण से वो बच्चे को क्लास में नहीं भेजते. तो एक एक यू नो अटेंडेंस मेंटेन करना ही इतना बड़ा चैलेंज रहता है. कोई बच्चा आ जा रहा है, फिर 2 महीने बाद आता है कि भी मैम ओ मैं इधर कुछ काम पे लग गया था, या मैं ये कर रहा था, वो पेरेंट्स नहीं मानते. तो दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस हैव बीन देयर, एंड हमें हर बारी कुछ डिफरेंट अप्रोच लानी पड़ती है, उसको एड्रेस करना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है. तो वो सब है, प्लस हम सेल्फ फंडेड हैं, तो कहीं ना कहीं मॉनिटरीली कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, हम डोनेशंस नहीं देते. तो दीज आर अ फ्यू चैलेंजेस, बट इनके बावजूद भी कभी ऐसे नहीं लगा, मतलब कभी कभी लगता है कि गिव अप कर देना चाहिए, बहुत हो गया, बहुत साल हो गए, बट देन द वेरी नेक्स्ट डे ऐसे लगता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि भी हाउ कैन आई गिव अप, मेरी लाइफ में और है ही क्या, बिल्कुल व्हाट इज देयर, व्हाट एल्स इज देयर कि मैं और कुछ करूं, कि अकेडमिक्स है मेरे वो तो हर कोई कर रहा है, बट बियॉन्ड दैट तो फिर वी गेट बैक टू वर्क और फिर से उसी एनर्जी के साथ काम करना शुरू कर देते हैं. तो चैलेंजेस ट्रू आते हैं और नेचुरल है, चलता है, बस इधर अगर रास्ता बंद है तो इधर से रास्ता निकाल लेते हैं. जैसे कल आप फोन पे सुरुचि मैम बोल रहे थे कि इंस्टाग्राम तंग कर रहा है, परेशानी आ रही है, तो फाइंड अ वे या मेक अ वे, तो वही वाली बात है, वही बिल्कुल. दैट्स व्हाट वी डू. या हमारा जो वेरी काम गुड. है ना वो और रुकना नहीं इट चाहिए. इज सो डिसअपॉइंटिंग कि वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ 2021 एंड स्टिल वी आर फाइटिंग फॉर दीज इश्यूज. फीमेल फिटिसाइड अभी भी हो रहा है. पहले वेरी पुराने सैड. जमाने में होता था बट इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग. दिस इज शॉकिंग. एंड चाइल्ड एजुकेशन भी अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिसपे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है बल्कि लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा इशू है. तो सलोनी आपको कैसे लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स का एंड कैसे होगा? हाउ विल दिस ऑल प्रॉब्लम्स विल कम टू एन एंड? आई मीन यू आर डूइंग सच गुड वर्क. ये तो कर ही रहा है. व्हाट डू यू फाइंड द मेन क्रिटिकल कॉज फॉर इट जिसको करने से जिसको खत्म करने से इन प्रॉब्लम्स का भी एंड हो जाएगा? मैम, आई थिंक इट्स अ मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच. हम सिर्फ एक मतलब कोई वो रूट नहीं ले सकते जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. इट्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल कम टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. तो वेरी फर्स्ट थिंग इज आई थिंक इंडिविजुअल एफर्ट्स. हम अ लॉट ऑफ बिल्कुल टाइम्स आई थिंक हम वी आर अ कंट्री ऑफ 1.7 बिलियन पीपल. तो 1.7 बिलियन ब्रेन्स है, 1.7 बिलियन थॉट्स है, और इतने लोग अगर अपना थोड़ा सा टाइम और थोड़ी सी एनर्जी अगर लगाएं चेंज मेकिंग में, तो एक तो हमारी मैन फोर्स की कोई कमी नहीं है, वी कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क. तो दैट इज नंबर वन. नंबर टू इज आई थिंक उसके अलावा फिर और स्टेक होल्डर्स जो हैं, जैसे गवर्नमेंट है, उस तरफ से कोई चेंज आना है, तो वो सब उनको भी साथ में जुड़ना पड़ेगा, और इश्यूज को इकट्ठे वी विल हैव टू सॉल्व. बट यू नो अस एज इंडिविजुअल्स कैन डू अ लॉट. तो हम वही बात है, आज आप किस तरह की चॉइस आप करते हैं कि आप यू यू शॉप लेस, तो आप एनवायरमेंट को बहुत बड़ा एक यू नो एक एहसान करेंगे कि आपने कम खरीदारी करी, कम कंज्यूमरिज्म से आप आपके कारण बहुत जो प्रोडक्शन कम हो सकती है. अगर हर कोई कम खरीदेगा तो कम मॉल्स बनेंगे, कम पेड़ कटेंगे, कम इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो दिस हैज अ चेन इफेक्ट.
तो हमें वो चीज समझने की जरूरत है। आज हम अगर एक इलेक्ट्रिसिटी का एक स्विच ऑफ कर देते हैं, या पानी चल रहा हो बंद कर देते हैं, या कोई कोई इंसान है जो मजाक में बोल देता है कि अरे लड़कियां तो कमजोर हैं, या लड़कियां ये नहीं कर सकती, अगर हम उसको प्यार से बता देते हैं कि ये बात आप 21वीं सदी में ये बात नहीं बोल सकते, इट्स नॉट नहीं बोल वैलिड, सकते। तो ये चीजें जो है छोटी छोटी सी, आप अगर किसी को आज समझा दें, कुछ कह दें, आई थिंक वो इकट्ठे मिलके इतना बड़ा वो एक ओशन ऑफ चेंज बन जाएगा, और हम रियलाइज भी नहीं करेंगे। आज के सो टाइम में आई सैटिस्फाइड थिंक आंसर सीरियसली। आज के टाइम में हम अपनी लाइव्स में बहुत इन्वॉल्व्ड है, और हम अपनी पावर भूल चुके हैं, कहीं ना कहीं हम इतना डिस्करेज हो चुके हैं और होप खत्म हो चुकी है कि हमें लगता है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, तो हम करते ही नहीं है। बट ऐसे नहीं चल सकता। यू हैव अ लॉट ऑफ पावर, एवरी पर्सन लिसनिंग टुडे हैज अ लॉट ऑफ पावर। तो छोटी छोटी चीजों से हमें, वी विल हैव टू वेक अप, और बहुत लेट हो चुका है, ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुका है। रिसेंटली मुझे अनफॉर्चुनेटली इतने केसेस सुनने को मिल रहे हैं, फोन्स आते हैं कभी कभी जानकारी में किसी को, कि कोई हस्बैंड जो अपनी वाइफ को डोमेस्टिक वायलेंस में बीट कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो हमें कितने केसेस आजकल सुनने को मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी फैमिलीज में चीजें हो रही हैं, तो दिस इज वेरी सैड। या अब यही बात एग्जैक्टली हम एज यंग पीपल हम किसी बड़े को रोके कि भी वो भी इक्वल है, आप भी इक्वल है, आप कैसे किसी को मार सकते हैं, तो आप क्वेश्चन करें, आप रोकें, आप बोलें, आप ब्लॉग्स लिखें, आप वीडियोस बनाएं, आप डांस के थ्रू, नुक्कड़ नाटिका के थ्रू, आई डोंट नो, देयर मिलियंस ऑफ वेज थ्रू विच यू कैन डिलीवर अ मैसेज। तो वही करने की जरूरत है, किसी भी तरीके से बस एक कॉज उठाइए एंड लिव फॉर दैट कॉज, दैट इज द बिगेस्ट सोल्यूशन आई थिंक इज देयर एट द मोमेंट। वाह, सो सो ओ ट्रू, माय सो गॉड, ट्रू। आई नो डाउट शी हैज एम अचीव्ड सम इतना कुछ, सीरियसली बोल रही ना, नो डाउट शी इज अ स्पीचलेस। इंस्पिरेशन। मुझे ऐसा लग रहा था संजोली बस बोलती चली जाए और व्यूअर्स को भी ये हाँ लग रहा सुनते है, चले सब बोल रहे हैं जाए। ट्रूली सेड, इनडीड, व्हाट एन आंसर, ओ माय गॉड। ओ ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं खो गई हूँ, मैं बातों में खो चुकी कोई हूँ। आप टाइम लीजिए, कोई बात नहीं, एंड सो जब मिशन मैं अकॉम्प्लिश्ड। जब हम संजोली से मिलने जाएंगे, तनु, हम सबसे मिलने आएंगे जिन जिन को हमने कवर किया है, मैं पूरी तो रात हम बैठ के बात कर सकती हूँ संजोली से, पूरी रात बैठ मैं के बात पूरी कर सच सकती हूँ मैं में हम तो। लोग बातें करेंगे, और मैं बस ऐसे बैठ जाऊंगी और संजोली बोलती रहेंगी, मैं सुनती रहूंगी, ऐसे ही होने वाला है। आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, यू आर अ ग्रेट स्पीकर। आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, तो आई एम एबल टू कीप माय व्यूज, बट जनरली मैं पर्सनल लाइफ में इतना बोलना पसंद नहीं करती। आई एम मोर आई एम कमिंग टू इम्पोर्टेंट इट, आई एम कमिंग टू इट। अच्छा उससे पहले आने वाले हैं उस चीज से। अच्छा ये बताइए कि जब आपने स्टार्ट किया था ये, थोड़ा 4 साल की एज के बाद जब आपको समझ में आया कि नहीं, व्हाट इज एक्चुअली इज हैपनिंग, हम किस तरफ जा रहे हैं, जब सोशल वर्क की एक्चुअल डेफिनेशन समझ में आने लगी होगी, तब से लगा के अभी तक, क्योंकि आपने इतने सारे चैलेंजेस गिनाए, कुछ भी आसान तो था नहीं ग्राउंड लेवल पे, तब से जी लेके अब तक आपको कितना चेंज लगता है कि सोसाइटी में आया है, और आपका ये कितना सक्सेसफुल रहा है काम? जी बिल्कुल। जब हमने 2004 में शुरुआत करी थी, से अब अराउंड 17 इयर्स हो चुके हैं मुझे फील्ड में, और टीम को साथ में काम करते हुए, और डेफिनेटली बहुत फर्क है। अगर हम फीमेल फिटिसाइड का ही देखें, हरियाणा में अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें, तो रिपोर्ट आई थी कि कैसे पहले एक समय में 743 to 1000 फीमेल सेक्स रेशियो था, रेशो जी, और अब जो है वो 943 पे पहुंच चुका है। अब मैं आई वोंट टेक द क्रेडिट अलोन, इट विल बी वेरी यू नो अनजस्टिफाइड टू डू दैट, बट बहुत सारे एफर्ट्स, चाहे वो PNDT एक्ट आया, या गवर्नमेंट के एफर्ट्स थे, चाहे डॉक्टर्स ने, कितने डॉक्टर्स ने ये स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करेंगे, फिर हमारे बिल्कुल। जैसे और बहुत सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं जो आगे आए, तो आई थिंक सबने मिलके जो है एक ही एक चेंज बड़ा आया है कि हमारा फीमेल सेक्स रेशियो इम्प्रूव हुआ है। बट साथ में ये बात है कि बेटी पैदा तो हो गई, बट बेटी को उस उतनी इज्जत और बराबरी मिल रही है कि नहीं, दैट इज अ चैलेंज वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स। अ लॉट ऑफ टाइम्स बिल्कुल वी हियर अबाउट न्यूज की भी अबैंडन कर दिया बेटी को, या बेटी को अनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं, बेटी घर का काम कर रही है, पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, बेटे को मिल रहा है, तो या डोमेस्टिक वायलेंस बिल्कुल, है, एज अ तो सर्वेंट ट्रीट करते हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब नेक्स्ट हमारे इश्यूज हैं जो हमें एज अ सोसाइटी एड्रेस करने हैं, बट उसके अलावा चाहे एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में आई थिंक हम कितना भी कर ले बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, तो आई डोंट थिंक हम कभी उसको कवर कर पाएंगे लॉस को। बट बिल्कुल हमने बिल्कुल मोर देन 450 पेड़ तो मैंने खुद ने ही अभी तक लगा लिए हैं, और उससे भी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में हाँ मैंने 100 ट्रीज की एक ड्राइव थी, तो मैं और मेरे साथ 3 स्टूडेंट्स और थे, तो हमने ऑस्ट्रेलिया में पेड़ लगाए थे। इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बहुत पेड़ लगा चुके हैं, और ये जो ड्राइव करी थी, एक्सपीडिशन हमने करी थी, रोड एक्सपीडिशन, उसमें मोर देन 5,000 किलोमीटर्स ट्रैवल कर कर आए थे। तो इन सारी चीजों के थ्रू जो सेंसिटाइज किया हमने मासेस को, आई थिंक वो हमारा सबसे बड़ा सक्सेस रहा है कि हम बहुत लोगों तक पहुंच पाए हैं। हम वहां पर गांव गांव में रुककर औरतों को इकट्ठे करना, गांव के लोगों को इकट्ठे करके वो मूवी दिखाना, हमने अर्थ इन फ्लेम्स एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो उस डॉक्यूमेंट्री को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गांव में, कहीं हर जगह हमने उसको स्क्रीन किया है कि लोग समझ पाए कि भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है, क्लाइमेट चेंज हाँ क्या है, और क्या क्या उसके इफेक्ट्स, और हम क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक दीज हैव बिल्कुल बीन दी एफर्ट्स। सुशिक्षा है, तो हमने अभी मोर देन आई थिंक 150 स्टूडेंट्स को अभी तक हमने, वी हैव रीच्ड दो स्टूडेंट्स। तो उनमें से कितने स्टूडेंट्स जो पहले दिन हमने उनसे पूछा कि आप बड़े होकर क्या करना चाहते हैं, और उन्होंने जवाब दिया कि हम, हमारी मम्मी जो है वो घर में काम करती है, तो हम भी बाई ही बन सकते हैं, और हमारे फादर जो है वो ड्राइवर है, तो हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, तो हम तो यही करेंगे। तो ये बोलने से आज अगर वो बच्चे बोलते हैं कि हम जो है पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं, हम आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, हम संजोली और अनन्या हाँ मैम की तरह टीचर्स बनना चाहते हैं, तो वो सोच में बदलाव आया है, कहीं ना कहीं उनमें होप आई है कि शायद वो कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें हमारी सक्सेस है, बाकी बड़े नंबर्स ये नहीं है हमारे बदलाव पास, बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ा बड़ा है। अगर बदलाव। आप किसी की सोच बदल रहे हो, मतलब जो आने वाली जेनरेशन है, आपने बचपन से उनकी सोच सुधार दी, वो बदल दी, ये एक बहुत बड़ा चेंज है, ये आने वाली अभी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा। बिल्कुल वही बात है ना, बिल्कुल जैसे संजोली ने बोला कि जो है एनवायरनमेंट को हम डैमेज कर चुके हैं, हम शायद उसे रिकवर कर पाएंगे, लेकिन अगर हमने अपने आने वाले जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है, उसको थोड़ा भी उनके सुधार दिया, तो वो जी एनवायरनमेंट को शायद सेव कर पाएंगे, है ना, जी और एक बिल्कुल सेव अच्छी करके, सोसाइटी बना इसीलिए पाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल चलिए, ये बातें यस हुई आपके एनजीओ से रिलेटेड, आपके सोशल जी वर्क से रिलेटेड, और मैं तो, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मैं अभी ग्राउंड पे चले जाऊं संजोली के साथ और सारथी के साथ काम करना शुरू कर दूं। मैं इतना मोटिवेट हो गई हूँ। बट अभी हमारे व्यूअर्स को पता चलेगा हु इज संजोली एक्चुअली, ठीक है, उनके काम तो बोलते ही है, लेकिन अभी हम सब अभी पर्सनल क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जिससे पता चलेगा कि संजोली कैसी लड़की है। तो आर यू रेडी संजोली? आई एम रेडी मैम, यही कह सकती हूँ मैं। हाँ दिस इज सरप्राइज। हाँ ओके, जी तो ये थोड़ा रैपिड फायर काइंड ऑफ क्वेश्चंस है। तो संजोली ओके, ये इतना थोड़ा ट्रिकी है। सीरियस, सच्चा स्वीट मजा आ हार्ट रहा है कर यार, लूँ। अमेजिंग सेशन। हाँ यस हाँ तो संजोली इतने सीरियस इश्यूज पे काम करती हैं, ग्राउंड पे रहती हैं ऑलवेज, लाइक सबको लगता होगा कि ये कितना सीरियस है, कितना मैच्योर है, तो संजोली एक्चुअल में सीरियस लड़की है या फन लविंग है? दोनों का मिक्सचर हूँ। पहले बहुत सीरियस थी, बट जब मैं कॉलेज गई तो मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले लकीली, जिन्होंने मुझे इंस्पायर भी किया बट मुझे फन लविंग भी बनाया। तो आई थिंक अब मैं दोनों का बैलेंस रखती हूँ, जब सीरियसनेस की जरूरत है तो वहां पर वो, बट घर में और फ्रेंड्स के साथ आप वो वही जानते हैं कि मैं असलियत में कितना ज्यादा बातें कर सकती हूँ, और मैं कितनी, कभी कभी मैं ऐसी लगता है, मेरी मदर बोलती है कि लगता ही नहीं है कि तुम 22 ईयर ओल्ड हो, कभी कभी लगता है तुम 7-8 ईयर्स की छोटी सी बच्ची हो। तो वो चीजें। अपने दिल में बच्चा बचाए रखना है ना, वो तो हाँ बहुत वो जरूरी हमेशा है। रहना चाहिए अच्छा, जी, बिल्कुल संजोली बिल्कुल। बैनर्जी बंगाली है पर रहती नॉर्थ इंडियन में है, तो फेवरेट डिशेस क्या है, बंगाली डिशेस है या नॉर्थ इंडियन पंजाबी फूड, सरसों से जी साग, मक्के दी रोटी? मैं
मेरे फादर हाँ जी बंगाली हैं, और वो बहुत पहले मेरे जो पटर्नल फैमिली माइग्रेट कर गई थी इस तरफ, तो मदर पंजाबी हैं, तो दोनों का ही कल्चर घर पे, दादी मेरे पंजाबी थे एक्चुअली, तो वहीं से वो ओ दोनों मिक्स्ड ब्लड लाइन है हमारी, तो दोनों तरह का खाना पसंद है मुझे एक्चुअली, घर का खाना सबसे ज्यादा पसंद है, घर पे जो बन जाए, बंगाली खाना भी बनता है कभी जबरदस्त कभी, और मेजरली मगर नॉर्थ इंडियन हमारी सब्जी रोटी और ऐसे सब बनता है, तो आई लव इंडियन फूड, आई लव घर का खाना, वहां पर भी घर का ऑस्ट्रेलिया खाना। में दिस इज वन थिंग जो मैंने बहुत मिस किया, कि मुझे घर के खाने की याद आती थी, फिर मैंने खुद कुक करती थी, तो दोनों का मिक्सचर है, बंगाली स्वीट्स बहुत टेस्टी होती हैं और मुझे मीठे का बहुत हाँ, शौक है, तो रसगुल्ला, स्पेशली रसगुल्ला इज वेरी टेस्टी। एंड मुझे दोनों में एक स्वीट होता बैगन का, है बैगन भाजा इज वेरी टेस्टी। मुझे बैगन भाजा बहुत अच्छा लगता जी जी है। बिल्कुल मम्मा मेरी ओहो, बनाती है, शी लर्न्ड इट, तो बिल्कुल इतनी इतनी स्वीटनेस है। हाँ, हम तीनों ही स्वीट टूथ है। मिठाई की दुकान पे। हाँ, ओके हम लोग का भी गुजारा नहीं चलता है, okay. तीनों टाइम चाहिए मीठा। हाँ मीठा मीठा चाहिए, तो इंडियन हो, बाहर का मीठा हो, पैनकेक्स हो या केक्स हो, कुछ भी कुछ मीठा भी, तो ऑथेंटिक एनीथिंग विच इंक्लूड हो. शुगर, एनीथिंग। यस सर, ओके, तो व्हाट टर्न्स यू ऑन, म्यूजिक और ट्रैवल? म्यूजिक इमिडिएटली, क्योंकि ट्रैवल हमेशा फिजिबल नहीं होता, उसके लिए टाइम चाहिए, तो बट म्यूजिक डेफिनेटली, मूड पे डिपेंड करते हैं किस तरह का म्यूजिक, मैं इंडियन म्यूजिक मतलब क्लासिकल म्यूजिक, बंगाली क्लासिकल भी सुनती हूँ मैं, इंडियन बॉलीवुड भी सुनती हूँ मैं, अप बीट से लेकर सैड सॉन्ग्स, इंग्लिश सॉन्ग सब कुछ सुन लेती हूँ, इंस्ट्रूमेंटल, इट्स जैज अबाउट द मूड, कभी रॉक, कभी यस एनर्जी चाहिए, तो अब भी म्यूजिक, अगर थोड़ा बहुत हेक्टिक डे रहा शाम को रिलैक्स करना है तो स्लो म्यूजिक, बट म्यूजिक डेफिनेटली, फटाफट कुछ काम करना हो तो पंजाबी म्यूजिक। बिल्कुल उससे तो काम और डांस इकट्ठे हो जाते हाँ, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। अरे बिल्कुल। वाह बिल्कुल, बट ट्रैवल का भी बहुत शौक है, मैंने कुछ नॉर्थ इंडिया, ईस्ट और वेस्ट मेजरली कवर कर लिया है, साउथ इंडिया में अभी जा रही हूँ, कॉलेज शुरू हो गया मेरा, तो आई एम वेरी सून आई विल बी इन बैंगलोर, तो अब साउथ इंडिया कवर करेंगे, बट और बाहर भी वाह, कुछ कंट्रीज देखी हैं, बट कोविड के कारण अभी कहीं इतना नहीं जाना हो पाया, बट आई लव ट्रैवलिंग एज वेल, नई जगह जाना, ऑफ बीट जगहें जाना जहाँ पे टूरिस्टी ना हो, तो बहुत मजा आता है उसमें, अभी रिसेंटली उत्तराखंड में एक इंटीरियर में जगह है चकराता, तो वहां गए थे हम, वहां गांव में हमने स्टे किया, होम स्टे किया, और लोगों के हाँ, साथ उनके ट्रेडिशनल खाना और घर वो देखा, बहुत मजा आता है उन चीजों में भी. बहुत मजा आता है। तो संजोली, वैसे तो आपका सारा काम लोगों से ही रिलेटेड है, सोसाइटी को डेडिकेटेड है, बट अगर मैं जी बात करूं कि एज अ पर्सनैलिटी, आप जब अकेले होते हैं, या आप एक सॉलिटरी पर्सन है या एक पीपल पर्सन है? मोर ऑफ अ सॉलिटरी पर्सन, आई लाइक टू बी बाय माई सेल्फ, मेरे को मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि जब मैं अकेले होती हूँ मैं बहुत रिफ्लेक्ट कर पाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करना चाहती हूँ, क्या थॉट्स हैं, तो इन चीजों का मुझे बहुत ज्यादा है, मैं पहले डायरी भी लिखती थी, अभी रूटीन खराब हो गए तो नहीं लिख पाती, बट आई थिंक मेरे को अकेले से टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, उससे एनर्जी मिलती है, बट उसके एक्चुअली अलावा सबके साथ उसका अलग मजा है, वो आप क्योंकि हम सोशल बीइंग्स हैं, तो आई कैन नॉट रिमेन आइसोलेटेड, तो उनके साथ अपना मजा है, बट कुछ समय मुझे चाहिए कि मैं अपने साथ स्पेंड करूं, अगर नहीं करती तो इनकम्प्लीट फील होता है, तो अब वो अकेले टाइम स्पेंड करने में मैं अकेले एक्सरसाइज भी कर सकती हूँ, कभी मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैंने मेडिटेशन के 2-3 कैंप्स एक्चुअली अटेंड करे हैं, हमारे घर में मेडिटेशन का बहुत कल्चर है, तो वो है, या फिर बुक्स रीड करना हो गया, नाइस। कुछ ना कुछ आई ट्राई टू बी, मेरे को अपने डेस्क पे बैठ के काम करना बहुत पसंद है, तो मेरे को जब समय मिलता है मैं अपने टेबल पे या चेयर पे बैठ के अपना काम करती रहती हूँ, उसके कारण प्रॉब्लम्स बहुत होती है बाद में, क्योंकि मैं फिजिकल एक्सरसाइज हो नहीं पाती, लैपटॉप पे काम होता रहता है, बट आई अच्छा, लाइक दैट. ऐसा लगता है कभी मेरी तरह, ऐसा आपको भी लगता है कि जब हम अकेले होते हैं तो वी आर काइंड ऑफ मोर प्रोडक्टिव, वी कैन प्लान बेटर? एब्सोल्युटली बिल्कुल, वेरी वेल सेड, ये होता है, आप फोकस ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, आप प्रायोरिटाइज कर पाते हैं कि आप क्या करना चाहते हो, डीक्लटर कर पाते हैं, तो
एब्सोल्यूट चलिए इसी बात पे बता दीजिए, फेवरेट स्वॉट एनालिसिस हो जाता है. एग्जैक्टली हाँ जी. फेवरेट बुक. फेवरेट बुक एल्केमिस्ट एंड मैन सर्च फॉर मीनिंग. मैंने अभी खत्म किया है मैन सर्च फॉर मीनिंग. वो होलोकॉस्ट पे बेस्ड है बुक डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की. तो मेरे को लगता है कि लाइफ में मीनिंग होना बहुत जरूरी है और वो बुक भी उसी पे है. और एल्केमिस्ट भी कुछ इसी, मेरे को सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स बहुत पसंद है. एल्केमिस्ट एब्सोल्युटली. रॉबिन शर्मा पढ़िए फिर, थोड़ा और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा. रॉबिन शर्मा भी, वो भी मैंने उनकी भी बुक्स पढ़ी है बिल्कुल. आपने बताया कि आप ट्रैवल भी पसंद करती हैं, आउट ऑफ इंडिया भी जा चुकी हैं, इंडिया में भी आप कई कई जगह घूम चुकी हैं. तो व्हाट इज योर फेवरेट गो टू प्लेस, जहाँ मतलब अब तक आपने जो विजिट की है हर जगह है, तो उसमें से मतलब फिर से अभी आपको वापस कहीं जाने का मौका मिला है, तो व्हाट विल बी योर फेवरेट गो टू प्लेस, हमें सबसे पहले जाना चाहेंगी? इंडिया में आई थिंक लद्दाख फॉर श्योर. आई एब्सोल्युटली लव्ड लद्दाख. बहुत कॉमन वो है, सबको ही लद्दाख पसंद आते हैं. मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई इंसान को लद्दाख ना पसंद हो. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. वो इंडिया में डेफिनेटली आई थिंक मेरा अ पीस ऑफ माई हार्ट इज स्टिल देयर. मैं एक बार ही होकर आई हूँ, मुझे हर बार ही मन करता है वहां जाने का. और बाहर जो है वो कैनबरा होगा. मैं वहां पर 3 साल मैंने बिताए हैं एंड आई एम इन लव विद दैट प्लेस. उसकी जो जो अपनापन है वो सेकेंड होम की तरह है मेरे लिए. तो मैं मेरी कोशिश रहेगी कोविड खत्म हुआ मैं फिर से वहां जा पाऊँ. ब्यूटिफुल प्लेस, छोटा सा शहर है और हिली एरिया है. वहां पर पानी है, लेक है और बहुत अच्छे लोग हैं. तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. तो आई लव कैनबरा. एंड व्हाट इज योर ड्रीम प्लेस, मतलब जहां आप अब तक नहीं गई हैं बट यू वुड लव टू गो देयर वंस? ड्रीम प्लेस एक इंडिया में मैं मुन्नार जाना चाहती हूँ. मैंने मुन्नार के बारे में बहुत सुना है. इट्स टी गार्डन्स है वहां पर और बहुत सुंदर yes, जगह yes, है. तो दैट इज वन. एंड फॉरेन में आई वुड से मे बी साउथ अफ्रीका. मैंने आई हर्ड कि साउथ अफ्रीका में बहुत सुंदर सी और बीचेस हैं. तो मे बी आई वुड लाइक टू गो देयर. बट उसके लिए थोड़ा आई वॉन्ट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट. मैंने अभी अर्न करना नहीं शुरू किया तो कोशिश रहेगी कि मम्मी पापा पे बोझ कम डाल के थोड़ा खुद अर्न करके जाऊं. वाओ वेलकम. वाओ दैट्स आल्सो एन पॉइंट टू बी अप्रिशिएटेड. अच्छा तो आपकी सलोनी अब तक की जर्नी में आपका कोई बहुत ही प्यारा इंसिडेंट जो आपको टच कर गया हो, वेरी ब्यूटिफुली टच्ड यू, कोई ऐसा इंसिडेंट आप बताना चाहोगे? यहाँ पे मैं फंस गई. मुझे एक इंसिडेंट याद करना. कोई भी आई मीन या तो आपके वर्क से रिलेटेड या आपकी लाइफ से रिलेटेड. एनीथिंग, एनीथिंग मेमोरेबल. यस, बहुत सारी मेमोरीज है मेरे को. कोई रिसेंट वाला बता दीजिए. मेरे को लगता है कि पार्लियामेंट में बैठना मेरे लिए बहुत ज्यादा मेमोरेबल हो सकता है. क्योंकि एक टाइम था कि मैं एक्चुअली 2017 में मेरे को एडमिशन मिला था और मैंने पढ़ाई शुरू करी थी. और उस समय मेरे फादर मेरे साथ गए थे, तो मतलब मुझे वहां पर सेटल करने और वैसे ही वहां पर विजिट करने. तो वो जब आए थे तो हम लोग इकट्ठे पार्लियामेंट हाउस गए थे देखने. तो ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट जो है वो विजिटर्स के लिए भी ओपन है कुछ पार्ट उसका. तो वो वहां पे एज अ विजिटर आए थे और उन्होंने, आज तक उनकी फोटो है जहाँ पे वो सेनेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बाहर उन्होंने फोटो खिंचवाई दी है. और मैंने उनको मजाक में बोला था कि पापा एक दिन ना मैं अंदर बैठना चाहती हूँ इसके. तो मैंने सीरियसली बोला था. और मैं मतलब मुझे एक्चुअली बहुत अनबिलीवेबल लगता है जब मैं इसको सोचती हूँ अब हाइंडसाइट में, कि मैंने ऐसे ही बोला था कि शायद एक दिन आपको आपकी बेटी अंदर बैठी मिलेगी. और 2017-18-19 हाँ ऑलमोस्ट 2.5-3 साल बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं उसी सेनेट के अंदर थी जिस सेनेट के बाहर फादर ने एज अ विजिटर फोटो खिंचवाई थी. और उसके अंदर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, बैठी, प्राइम मिनिस्टर को मिली, सारे पॉलिटिशियंस के साथ मीटिंग हुई. तो डेफिनेटली वेरी वेरी मेमोरेबल. वेरी मेमोरेबल. योर फादर वाज सो प्राउड. सो प्राउड ऑफ यू. सीरियसली. यस यस.
थैंक यू. यूनिवर्स सपने यूनिवर्स. ही बड़े देखने चाहिए सीरियसली. ऐसा सपना देखा सलोनी ने और वो उसको सच भी करके दिखाया. सो इनक्रेडिबल यार, कितना गर्व फील होता होगा मम्मी पापा को ना सलोनी संजोली आप पे, राइट? बिल्कुल. वो तो मेरे तो को आप लगता है मेरे सबसे बड़े फैंस हैं. वो तो दे आर ऑलवेज प्रेजिंग. वो बहुत अजीब लगता है कभी कभी कि आपको अपनी फैमिली बहुत प्रेज करे तो ऐसे लगता है कि यार आप लोगों को तो ऐसे नहीं इतनी प्रेज करनी चाहिए. बट दे आर एक्चुअली वेरी बिग फैंस ऑफ माइन. और उनकी उनकी गाइडेंस के कारण ये सब मैं कर पाती हूँ. बट मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी हूँ. और मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि इतना अच्छा नहीं है, इतने ज्यादा एम्बिशियस मत हो, कि थोड़ा लाइफ में स्लो डाउन करो, इतनी छोटी एज में इतने बड़े सपने. बट कुछ नहीं ये आई नहीं थिंक सब करना है. नहीं नहीं ऐसी मेरी कि मैं बहुत हाँ बड़े सपने लेती हूँ और कभी कभी उसकी मेरे हेल्थ पे भी टोल आ जाते हैं. मैं कभी कभी अपने डाइट पे या एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दे पाती और फिर मेरे को पेन्स हो जाती हैं. बट तो एज पेरेंट्स उनको एक कंसर्न रहता है कि बेटा सारी यस दुनिया के लिए तुम जीती हो, अपने लिए भी जीना सीखो. हाँ, तो ये दैट इज हर वन पेरेंट का थिंग. रहता ही है. यस बिल्कुल. तुम कल को प्राइम जी मिनिस्टर भी बन जाओगे तो तुम्हारे मॉम डैड सबसे पहले अरे बोलेंगे कि नहीं नाश्ता किए बिना अगर गई ना संजोली तो ठीक नहीं होगा. 100%. ये मेरे पेरेंट्स को बहुत रहता है. मेरी आज ही मेरी मीटिंग चल रही थी कॉलेज की और मम्मा खाने की प्लेट लेकर मीटिंग के अंदर घुस गए, मेरे वीडियो ऑन किए खाना माँ का प्यार. अच्छा, वाह इतना मजा आ नहीं. रहा है, इतनी इतनी चीयरफुल पर्सनालिटी हो आप संजुली, तो क्या कभी गुस्सा आता है कभी? मतलब आर यू अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन या ऐसे ही आप कूल एंड काम एंड स्वीट एंड चीयरफुल हो? नहीं, मैं बहुत नेचुरली एक ऑर्गेनिकली ह्यूमन पर्सन हूँ. मेरे को सब कुछ, मेरे को गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है, टेस्ट भी होता है, सब कुछ होता है. बट गुस्सा थोड़ा कम आता है. कम आता है. कॉलेज में हाँ तो हार्डली कभी गुस्सा आता था. कॉलेज में मुझे कभी रीजन ही नहीं दिखा कोई गुस्सा होने का. यहाँ पर कुछ कुछ चीजों पे कभी कभी हो जाता है बट इट्स वेरी शॉर्ट लिव्ड और बहुत रेयर होता है. क्योंकि मुझे गुस्सा करने की वो रीजन और फायदा समझ नहीं आता तो इसलिए गुस्सा आता भी नहीं है. बट मेरे को स्ट्रेस हो वाह जाता है. स्ट्रेस बहुत बार बहुत चीजों, कभी कभी एकेडमिक्स को लेकर कि मुझे मुझे एक्सेलेंस का बहुत ज्यादा वो एक क्रेज है कि मुझे हर चीज में एक्सेल करना है. तो उसका कभी स्ट्रेस हो जाता है, काम बहुत हो जाता है. फिर कभी साथी का बहुत ज्यादा काम है तो वो चीजों में मैं कभी बिल्कुल. कभी थोड़ी लो फील करती हूँ. तो फिर सारे मेरे फैमिली जो है, मेरी सिस्टर खासकर, वो मुझे चीयर अप करते हैं तो फिर वो सब सही हो जाता है. बट गुस्सा थोड़ा तो नहीं मैं स्वीट. बट हाँ, वो लग ही रहा है आपको मेरी आपकी सिस्टर से पर्सनालिटी से. पूछना चाहिए, आपको मेरी सिस्टर से पूछना चाहिए, गुस्सा मेरा मेरे को पता है हाँ, ज्यादा. वो सच मैन बताएगी कंपोज. इस क्वेश्चन का आंसर. सही है, क्योंकि बहनों को पता होता है, वो एक्चुअल रियलिटी फेस करती हैं. वो एनीवे, अच्छा छोटी है जब तो इसीलिए. हाँ, एग्जैक्टली, वो छोटी है. अच्छा सो जी संजोली, जब ये सारथी का काम नहीं करती हैं या जब वो सोशल वर्क नहीं करती हैं, तब संजोली क्या करती है? आई मीन द क्वेश्चन इज, व्हाट आर योर हॉबीज एक्चुअली? मतलब क्या करना आपको सबसे ज्यादा पसंद है जब आप इन सब चीजों से अलग होती हैं तो? ये क्वेश्चन ना मुझे बहुत बारी मीडिया के बहुत लोग पूछते हैं और मेरे पास कभी आंसर नहीं होता. क्योंकि मैं बहुत एक ऐसे स्ट्रेट वेव लेंथ पे लाइफ लीड करती हूँ. मेरी लाइफ में ऐसे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होता नहीं है. लिटरली मेरा मेजर अभी फोकस एकेडमिक्स पे है क्योंकि आई एम इन माई फाइनल ईयर ऑफ मास्टर्स. तो अभी मुझे थीसिस लिखना है, अपने एग्जाम्स हैं, डेली असाइनमेंट्स हैं. तो क्राइस्ट का बहुत एक स्ट्रिक्ट करिकुलम है तो वो प्लस सारथी का काम प्लस थोड़ा अपना पर्सनल फैमिली का कुछ ना कुछ कर लिया तो इसी में मेरा मैक्सिमम टाइम निकल जाता है. बट उससे पहले, कोविड से पहले मुझे शूटिंग का बहुत शौक था. तो मैंने पिस्टल शूटिंग सीखी थी तो दैट आई वॉज फॉन्ड ऑफ. बट अभी रेंज बंद है तो वो नहीं कर पाती. और तो जो साइकिलिंग जो और किसी मीडिया एक्सरसाइज. ने नहीं किया वो हम आपको डिस्क्लोज कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव ऑन अवर चैनल की सलोनी की हॉबी है शूटिंग. वी आर फर्स्ट टू फाइंड दैट. बिल्कुल आप बिल्कुल ही क्लेम कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट. साइकिलिंग टू. तो वो है. और
उसके अलावा मुझे इंटरव्यूज देखना और वीडियोस देखने का बहुत शौक है, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखने का, जिसमें मुझे कुछ सीखने को मिले, क्योंकि मैं सारा दिन अगर कोई इंसान बोलता है तो उसको कुछ अंदर इनपुट भी चाहिए आउटपुट के लिए, तो मेरे बिल्कुल को वो बिल्कुल बहुत शौक है फ्री टाइम में कुछ ना कुछ वीडियोस देखने का। जो बहुत हमारे कुछ फेमस पर्सनालिटीज रही हैं, जैसे ओबामा है या मलाला है, तो उनकी स्पीचेस सुनना कि हाउ दे बिलीव इन थिंग्स, तो ये सब चीजें मुझे पसंद है। मलाला बट की मेरे स्पीचेस डॉग आर है, उसके सो साथ मेरे इंटरेस्टिंग। को बहुत, मेरे को डॉग के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। वो बहुत शरारती है, वो एक्चुअली बाप कर रहा है पीछे, तो वो उसके साथ भी बहुत टाइम निकल जाता है मेरा, तो यही सब है जी। वाह वाह, नाम क्या है सो डॉग का? स्वीट। डॉग का नाम है सिम्बा, जो लायन किंग मूवी थी उसमें जो कब था उसका नाम सिम्बा, तो वो इसका नाम भी सिम्बा है। वहां सही से है। हाँ, एंड वी कैन हियर हिम, पूरी आवाजें आ रही हैं हाँ, उसके, ही इज इक्वली लव टू सिम्बा, लव टू सिम्बा, पार्टिसिपेटिंग। लव टू सिम्बा। बिल्कुल जी। वो एक्चुअली वो उसको आदत है सबके आसपास घूमने का, और अभी वो यहाँ आके बैठा था तो मम्मा पापा ले गए कि कहीं वो यहाँ बात करे, तो उसको अंदर उनके पास बैठा हुआ है, तो इसीलिए पीछे से बात हाउ कर रहा स्वीट। ओके नाउ है। फॉलोअर्स, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू संजोली, और जी हमने स्टोरी ऑलरेडी पोस्ट की थी तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं संजोली, तो अभी हम वो क्वेश्चंस लेंगे। यस सर, एंड बाकी आप जितने भी लोग हमारे साथ हैं आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये वी आर रेडी टू टेक योर क्वेश्चंस। तनु का नेटवर्क थोड़ा सा स्लो डाउन है। तनु, आर यू देयर? आर यू हियर? ऐसा होता है संचोली, नेटवर्क और इंस्टाग्राम के साथ ये होता रहता है, सो वी आर वेरी यूज टू। पूछो। कोई बात नहीं जी, हाँ नेचुरल है ये, नो प्रॉब्लम। चलिए, अच्छा ये बताइए कि आपकी टीम कैसे काम करती है संचोली? आप लोग घर घर जाके देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, या आपके पास फोन कॉल्स आते हैं कि ये यहाँ पे इस एरिया में थोड़ा इश्यू है तो आप यहाँ पे आके काम कीजिए, कैसे काम करते हैं आप? मैम, हमारा मेजर काम जो है वो एडवोकेसी का काम है, तो हम मोर देन हम लोगों के साथ जाके उनको सर्विसेज देने से ज्यादा हमारा काम है कि हम शोर मचाएं कि कोई प्रॉब्लम है, और सबको उसकी तरफ ध्यान खींचने का काम है हमारा, कि फीमेल फिटिसाइड ओके है, सबको पता हो फीमेल फिटिसाइड क्या है, क्या दिक्कत है उसमें, तो एडवोकेसी का काम मेनली रहता है। अब उसमें हम बिल्कुल लोगों के साथ काम करना पड़ता है, जब कोविड नहीं होता तो लोगों के साथ वहां पे गांव में जाकर उनसे बात करना, गांव वालों समझाना, खासकर मेल्स को कि कन्या भ्रूण हत्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ही एनवायरमेंट कैंपेन के साथ कि भी एनवायरमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं ये सब। और बिल्कुल उसके बिल्कुल अलावा सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हमारा टूल है, तो हमारा जो बिल्कुल इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक है, वेबसाइट है, तो इन सब के थ्रू हमारी कोशिश रहती है कि हम यूथ तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए, तो क्रिएटिव बिल्कुल मीन्स से हम वो सब यूज करते हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स है, आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, ये एक मीडियम है, आज कितने लोग बिल्कुल इंस्पायर होकर जाएंगे इससे, बिल्कुल तो बिल्कुल ये सारी अलग अलग मीडिया मीडियम्स रहते हैं हमारे। हेलो, हाय तनु मैम, वेलकम हाँ, बैक। शी इज बैक तो अगेन। ये सारे हमारे बहुत सारे मतलब अप्रोच रहती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना है, या कभी हम रैलीज, पीसफुल रैलीज निकालते हैं, जैसे अभी जब ग्रेटा ने स्कूल स्ट्राइक का सिस्टम लॉन्च किया था, तो हमने करनाल में हमने वो स्ट्राइक लॉन्च करी थी। उससे पहले हम कभी स्केटर्स को, सारे स्केटर्स को लेकर स्केटिंग की हमने रैली निकाली थी, कि हम बैनर्स पकड़ वाह के, फिर बाइसिकल रैलीज करी हैं, कैंडल मार्चेस करी हैं, उधर टोल प्लाजा पे खड़े होकर पंफलेट्स बांटे हैं, गाड़ी जो रुकती है टोल टैक्स देने के लिए, तो उसको उसमें गाड़ी गाड़ी में जाकर पर्चे बांटना, वो पंफलेट्स बांटना, उसमें पंफलेट पे होता था कि कैसे कन्या भ्रूण हत्या एक पाप है और एक क्राइम है, तो ये काम बहुत करे हमने। और फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को इन्वाइट करके इवेंट्स करना, तो ये सारी चीजें हमारी कुछ फ्यू, दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी अडॉप्ट। तो वाह या ग्राउंड पे काम करना इज नॉट सो इजी, मतलब आपको मेंटली फिजिकली हर तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि ये सारी चीजें हैं, आपको ग्राउंड पे ऐसे काम करना है। आप एक लग्जरी लाइफ नहीं सोच के चल सकते हो कि ठीक है वी आर इन ऑफिस, हमने एनजीओ खोल दिया है और अभी हम वॉलंटियर्स को काम पे लगा देंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता है, आपको खुद भी ग्राउंड पे आना है। समस्या के साथ जब तक जुड़ेंगे नहीं, सामने उनको महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप उनको कैसे सॉल्व कर पाएंगे?
बिल्कुल एग्जैक्टली। एक्चुअली ये इतना ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि इतना एंग्रॉसिंग काम है कि आप एक बार करते इतना मजा आने लग जाता है कि आपको मन करता है रुको ही नहीं। और अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ तो मुझे इतना डिफिकल्ट लगता है कि मेरे को कभी कभी लगता है कि मैं क्यों डिग्री कर रही हूँ, डिग्री छोड़ो और वापस से फुल टाइम फील्ड वर्क में घुस जाओ। कि हाँ क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो मैं 2 साल पढ़ूंगी फिर अप्लाई करूंगी, और मैं कभी कभी आई बिकम वेरी इम्पेशेंट कि मुझे इमिडिएटली काम करना है। तो बहुत बहुत मजा आता है इन चीजों में। आप और इतनी ये इंटेलिजेंट है संजोली, आई कैन से कि आप 2 साल की पढ़ाई 2 रात में करके और सब कर सकते हैं। अरे नहीं प्लीज हाँ ऐसा ही है, यू आर सो बहुत ब्राइट। एफर्ट लगता है मेरे प्रोफेसर से पूछिए, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत असाइनमेंट्स करने पड़ते रात रात तक बैठ के, फिर होती आपके 17 साल नहीं। के असाइनमेंट जो अभी सोशल वर्क में आपके असाइनमेंट रहे होंगे या आने वाले होंगे कि आप फील्ड वर्क कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क कीजिए, वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्या ही बोलूं मैं आपको। तो ठीक है आप पढ़ रही है वो एक अलग चीज है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, मैं भी बट नहीं कुछ बोल सकती, यू आई एम ऑलरेडी हैव अ स्पीचलेस। प्रैक्टिकल नॉलेज, यू हैव प्रैक्टिकल नॉलेज ऑलरेडी। फ्यूचर प्लान्स क्या है संजोली, यही करना है, इसको आगे बढ़ाना है और आगे किसी फील्ड में काम करना है, या बेसिकली इसी को लेकर ही चलना है? जी प्लान्स पर्सनल लेवल पे तो ये प्लान है कि अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी है और जल्द से जल्द फुल टाइम फील्ड वर्क में एंटर करना है, सो दैट आई कैन वर्क ऑन मोर इश्यूज एंड एट अ मैक्रो लेवल। अभी अगर हम एक एरिया तक, नॉर्थ इंडिया तक लिमिटेड है, तो कोशिश है कि पैन इंडिया काम कर पाए, तो वो एक एम है। दूसरा है कि मैं चाहती हूँ कि समवेयर डाउन द लाइन मैं जो मेरी दोनों डिग्रीज है उनको कंबाइन करके सोशल पॉलिसी और ह्यूमन सिक्योरिटी के फील्ड में काम करना चाहती हूँ। और अगर मेरे को मौका मिला तो मैं यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचना चाहती हूँ, तो वो मेरा एक सीक्रेट वाह एम है। देखते हैं कि कितना कब तक होता है, कैसे होता है, काफी डिफिकल्ट है, बिल्कुल लंबी जर्नी है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं संजोली बैनर्जी के सामने, कुछ इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट आपने जैसा कुछ नहीं है। आपने जितने लोगों की मुझे देवता दुआएं ली बना हैं, दिया आप देवता हैं, और अगर मेरा बस चले ना तो मैं सच में आपको आपकी मूर्ति फोटो लगा के पूजना शुरू कर दूं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप क्या लगवा कर रही दे हैं, बिकॉज यू आर सो डाउन टू अर्थ। हाँ बिल्कुल, यार आप उनसे पूछे जिन जिनकी लाइफ आपने बदल दी है, आप उनसे जाके पूछिए, ठीक है ना? तो नहीं, आप उनके लिए आप भगवान से कम नहीं हो, सीरियसली। आई बिल्कुल होप आई एम बिल्कुल, विजिबल एंड ऑडिबल बोथ। यस यू आर विजिबल जी ऑडिबल, यू आर बिल्कुल, बैक, यू आर बैक इन आवर हाँ जी वर्ल्ड। नहीं देवता तो नहीं मैं कह सकती, बट ठीक है आई एक्सेप्ट क्या आप कह रहे हैं, बट देवता तो बिल्कुल नहीं बन सकते, कोई नहीं बन सकते। इंसान ही एक अच्छे इंसान बन जाए वही बहुत बड़ी बात है। बट मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर्स हैं, वो बहुत लाइफ्स को इंस्पायर कर देते हैं अपने हिसाब से, तो वही है, हम सब किसी ना किसी तरह से कोशिश है कंट्रीब्यूट कर पाए। आपके पेरेंट्स के लिए तो मैं बस एक ही चीज करना चाहूंगी, यस तनु, वी आर सैल्यूटिंग देम सीरियसली। ऐसे पेरेंट्स अगर सबको मिल जाए, सबको मिल जाए, तो हमारी बेटियां कहाँ से कहाँ नहीं जा सकती, क्या नहीं कर सकती। और बेटियां ही बिल्कुल जा क्यों, सकती बेटे हैं भी, हर कोई, हमारी यूथ, हमारे हर जनरेशन जो कोई आ यार, रही है, कितना मतलब पोटेंशियल है, कितना ज्यादा पोटेंशियल है। थैंक यू, बिल्कुल ये आई सपोर्ट एग्री बहुत जरूरी है और जी। ये मुमकिन आपकी लाइफ में हो पाया, क्योंकि आपको दिशा मिली बिल्कुल सही टाइम पर, आपके पेरेंट्स की वजह से मैं बोलूंगी, बिल्कुल क्योंकि आप बढ़ पाते हैं आगे अपने परिवार की वजह से। ये परिवार ही होता है जो एक बच्ची को पैदा होने से पहले मार देता है, ये परिवार ही होता है जो अपनी बेटियों को ऑस्ट्रेलिया भेजता है और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती है एक दिन। तो ये सिर्फ फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, माता पिता का इतना बड़ा रोल होता है बच्चे की लाइफ में, कि आप बना भी सकते हैं, आप उसे उसके सपनों को मार भी सकते हैं, कम से कम अपने बच्चों के सपनों को तो पढ़ दे ही सकते हैं और किसी को नहीं। तो फुल सपोर्ट कीजिए अपने बच्चों को, यही मैं बोलना चाहूंगी संजोली। एट द एंड, व्हाट इज योर मैसेज फॉर यूथ, फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज टू, क्या कहना चाहेंगी आप यूथ को?
जी, मैसेज तो क्या सजेशन दे सकती हूँ जो सीखा है अभी तक वो शेयर कर सकती हूँ कि नंबर 1 वही बात फिर से दोहरा रही हूँ कि कोई ना कोई कॉज जरूर पिक कीजिए, एनीथिंग दैट यू बिल्कुल फील स्ट्रॉन्गली फॉर। आप हो सकता है आपको एनिमल से ज्यादा प्यार हो तो आप एनिमल्स का कॉज ले सकते हैं। अभी हमारे सिटी में किसी ने फ्री एम्बुलेंस सर्विस शुरू करी है एनिमल्स के लिए, इंजर्ड एनिमल्स के लिए फ्री में आप उनको कॉल करें और वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए किसी के लिए भी पहुंचते हैं और उसको फर्स्ट एड देते हैं। तो कुछ भी वाह ऐसे इनिशिएटिव है गुड तो नंबर 1 इज कि पिक अप अ कॉज, नंबर 2 इज टेक बेबी स्टेप्स। मेरे जैसा अगर कोई इंसान है जो सुन रहे हैं हमें, जो बहुत एम्बिशियस हैं और बहुत इम्पेशेंट हैं कि बड़े बड़े काम करने, उनको मैसेज है मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया छोटे छोटे कदम, बेबीज की तरह जैसे है छोटे कदम रखिए और बहुत स्लो प्रोसेस है ये, एकदम से सब कुछ नहीं मिल सकता। तो मुझे भी इतने साल लगे, इतने चैलेंजेस, हर तरह की हर चीजें थी और हर चीज को बैलेंस करना वो काफी डिफिकल्ट है। तो थर्ड पॉइंट यही है कि बैलेंस करना बहुत जरूरी है लाइफ में, एक ही तरफ नहीं हम चल सकते। हम सिर्फ एंजॉय नहीं कर सकते, हम सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकते, हम सिर्फ सोशल वर्क नहीं कर सकते। एज अ ह्यूमन हमारी बहुत नीड्स है और उन सबको बैलेंस करके चलना जो है वो बहुत जरूरी है। तो वो मैं भी सीख गुड रही हूँ, तो वो इसलिए मैं मेरे लिए खुद के लिए लेसन है ये। तो ये थर्ड पॉइंट है। और उसके अलावा बिलीव इन योर सेल्फ, बहुत जरूरी है कि आप अपने में विश्वास रखें, अपने आपको कम ना रख समझें किसी से। और कोई भी प्रॉब्लम्स हैं अगर आपकी लाइफ में, आई एम श्योर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आई हैव फेस्ड लॉट ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम्स, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स। तो डोंट गेट डिस्करेज, नेचुरल है लो फील करना, स्ट्रेस्ड फील करना, बट कुछ समय बाद आप जब गिविंग वाली जगह पर आ जाते हैं, जब आप किसी को देंगे, जब आप सर्विस में आ जाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा मतलब आप लोगों का तो फायदा कर रहे हैं, आप अपना भी फायदा, तो वो म्यूचुअल एक ग्रोथ होती है इंसान की। तो और फिफ्थ पॉइंट फाइनली आई थिंक ये होगा कि सीक एज मेनी एक्सपीरियंसेस एज यू कैन। आई एम रियली समवन हु चेजेस एक्सपीरियंसेस, मुझे है कि मैं जितनी तरह की अलग अलग चीजें देख सकती हूँ मैं देख पाऊँ, चाहे वो अलग लोगों को मिलना है, अलग तरह की एक्टिविटीज करना है, कुछ नया सीखना है। तो मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं वाराणसी के घाट पे जाके संस्कृत सीखूं, कभी मन करता है कि मैं गीता और कुरान पढ़ूं, कभी मन करता है कि मैं ड्रम सीखूं। तो ये सारे शौक जो है हर इंसान को होते हैं, तो एक्सपीरियंसेस लेते रहिए, सीखते रहिए, घूमिए, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। तो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आई कैन पर्सनली से। बाकी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी तो जब भी मैं चीफ गेस्ट स्टूडेंट्स को और यूथ को यही बोलती हूँ कि हैप्पीनेस कम्स फर्स्ट, आप अगर खुद खुश हैं तो आप वो खुशी बांट पाएंगे आसपास, आप उस सही कैपेसिटी में बात, होंगे कि आप कुछ करेंगे। अगर आप बिल्कुल बात, खुद ही इतने मिजरेबल हैं और अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप कभी दुनिया के बारे में नहीं सोच सकते। तो सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, अपने हैप्पीनेस का ध्यान रखिए, फिर सब कुछ कीजिए। दैट्स देखिए इट। सो आपको ट्रू, सब सो ट्रू। लोग क्या बोल ये रहे हैं। बहुत छोटी सी बात लगती है लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। इसकी वजह से आज आधी दुनिया डिप्रेशन में है बिकॉज दे आर लाइफलेस। नॉट हैप्पी। यस, बिल्कुल, ये इसको सेशन सीरियसली लो। इतना इतना इंस्पिरेशनल है कि अगर आपकी कही हुई बातें सच में कोई अपने जीवन में उतार ले और उस पर काम करना शुरू करे तो मुझे लगता है कि वो एक पॉजिटिव पर्सन बनेगा सबसे पहले, और उसको लाइफ में जी एक मकसद जरूर मिल जाएगा। पीयू इज सेइंग यू आर सो इंस्पिरेशनल फॉर मी एंड फॉर अदर्स ऑल्सो, वंडरफुल, थैंक रियली यू। इंस्पायरिंग पॉइंट्स नोटेड। ओह जितने आपने पॉइंट्स बोले हो सब नोट कर लिए हैं। गुड। एक सिकंदर सर की बातें और मुझे एक संजोली की बातें, मतलब ये ऐसा एक लगता है पर्सनल कि लाइफ में मैं आगे वही बढ़ते कल, रहने के लिए इतनी जरूरी। हाँ ऐसा या नहीं लग रहा है कि एक बारी में नहीं समझ आएगा, मतलब कि मैं खो गई हूँ, मैं इसको बार बार देखूंगी अच्छे से। अच्छा ये पॉइंट्स है, आई एम गोइंग टू नोट डाउन दीज पॉइंट्स फॉर श्योर, ये तो होने वाला एक्चुअली है। यस, इतना आप टू द लोग पॉइंट प्रेजिंग करने आंसर। में आप बहुत जेनरस है, यू आर वेरी जेनरस इन प्रेजिंग, तो आई एम ओनली थैंकफुल, शुक्राना बस, दैट्स इट। पर्सनैलिटी सामने ऐसी हो तो फिर ऐसा ही कुछ निकलता है अंदर से भी, बिकॉज आई एम फील सो आपकी मोटिवेटेड। हॉबीज प्रोग्रेसिंग, हॉबीज प्रोग्रेसिंग है, इनके शौक कितने अच्छे हैं। वो बनारस के घाट पे बैठ के संस्कृत सीखना चाहती हैं। वो मतलब एक एक चीज जो भी सलोनी ने बताई ना, वो रेलेवेंट थी एक प्रोग्रेस के ऊपर एकदम। उनकी पूरी पर्सनालिटी जो है, इस उम्र में इतनी मेच्योरिटी, इतनी समझदारी, इतनी प्यारी बात है। यू यू हैव नो आइडिया हाउ मच यू आर प्यारी इंस्पायरिंग अदर्स।
मुझे तो बस ऐसा लग रहा है, मुझे बस खुशी हो रही है कि हमारा यूथ एक सही दिशा में जा रहा है, और अगर ये ऐसी है ना तो हजारों लोगों को तो ये सुधार ही देंगी, हमारे आने वाले बच्चों को तो जो इनके छत्र छाया में पहुंचेगा वो कुछ ना कुछ तो अच्छा लेके निकलेगा। कितनी अच्छी बात है कि आप, आपका जीवन सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी फैमिली के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए है, तो मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वी आर सो ग्लैड टू हैव यू हियर विद I am equally happy. It's my pleasure, ma'am. I'm very happy कि आपने platform दिया और इतने interesting questions पूछे, कुछ typical questions से हटके, तो बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया. हमें भी बहुत मजा आया संजोली, बहुत मजा आया. जो लोग, जिन लोगों ने लेट थोड़ा ज्वाइन किया, ये लाइव मैं IGTV और YouTube पे होपफुली सेव करने वाली हूँ. आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. इंस्टाग्राम हमारा साथ दे प्लीज प्लीज प्लीज. आई कांट लूज इट, आई कांट लूज इट. मेरी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है, प्लस कितने लोगों के लिए ये इंस्पायरिंग होने वाला है. प्लीज इसको सेव कर देना. एक स्क्रीनशॉट तो बनता है, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट तो बनता है. और बनता है. चलो रेडी गर्ल्स, रेडी 1 2 3 ओके. और संजोली, नेक्स्ट टाइम वी आर होपिंग वी विल इनवाइट यू विद योर सिस्टर, बिकॉज हम अनन्या से भी मिलना चाहेंगे. और हमें बहुत 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 मजा आया. एक बारी में तो सारी बातें खत्म नहीं होंगी. आई एम सो ईगर कि आपसे और अच्छी अच्छी बातें निकालें और अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिले, है ना तनु? बिल्कुल बिल्कुल यार, ये सेशन इतना अमेजिंग रहा है कि मन तो हो रहा है कि अभी और आगे चले, बट संजोली का भी टाइम प्रेशियस है. यू नो, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम दोबारा संजोली को जरूर बुलाएंगे. अनन्या को बिल्कुल, आई वुड डेफिनेटली लव टू हैव हर एंड आई कम विद हर. और आपको लगेगा कि वो मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट और मैच्योर है, वो मुझसे छोटी है, बट जो उसकी थॉट्स है वो और भी ज्यादा, मेरी रॉक स्टार है वो हमारी लाइफ की. तो वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा काम करती है ऑलरेडी. तो वो इस एज में अभी सिर्फ 17 इयर्स की है और वो 3 हॉस्पिटल्स में काम कर रही है ऑलरेडी वॉलंटरिली, एज शी इज लर्निंग, मतलब कि मेंटल हेल्थ और साइकियाट्री में, और उसको बहुत शौक है उस फील्ड में. तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उसको मिलके, आई एम श्योर. मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ आपके पेरेंट्स को, आपके माता पिता को मेरा नमन है, बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ. इतना धन्यवाद है उनको कि उन्होंने एक सही टाइम पे एक अच्छा स्टेप लिया, अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया, हमेशा आपके साथ रहे बैकबोन बन के, और आज भी आपके साथ हैं. आप तभी इतना कर पाए हैं, और आप खुद भी, क्योंकि अगर माँ बाप का सपोर्ट हो भी, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट भी बहुत मैटर करता है. आपने खुद भी उन सपनों को समझा जो उन्होंने अपने बच्चे के लिए देखे, और आपने वो सपने पूरे करके दिखाए, और उससे भी बड़े बड़े काम ऑलरेडी करके दिखा दिए हैं. सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू, वी आर सो प्राउड ऑफ यू. यस तनु, ऐसा ही कुछ है. मुझे लगा कि मेरा नेटवर्क चला गया. नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं. ही है. भारत की शान, भारत की बेटी, जो कि ना ही इंडिया में बल्कि आउट ऑफ द कंट्री भी उन्होंने हमारे नेशन को बहुत प्राउड फील कराया है. कंट्री इज ऑलरेडी प्राउड, बहुत सारे हिस्टोरिकल मूवमेंट्स उन्होंने बनाए हैं हमारे लिए. तो इनक्रेडिबल, आई वुड से इनक्रेडिबल, एंड वी आर सो ऑनर्ड एंड ग्लैड टू हैव यू. सेम हियर मैम, लाइकवाइज. बेटी हो तो ऐसे क्विक 3 पॉइंट्स एक बार ही कह सकती हूँ. मुझे पता है हमने रैप अप करना है, बट मैं क्या जल्दी से कुछ बातें कह सकती हूँ? हाँ जी बोलिए, बिल्कुल. एक बात आपने बहुत करेक्टली पॉइंट आउट करी कि पेरेंट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट हमारी भी चॉइसेस है. हमें एक्चुअली कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में सिखाया जाता है कि हम हमेशा औरों को क्रेडिट. एक गाइड में विजन दी, बट उसके बाद मुझे लगता है हम लोगों की खुद की चॉइसेस होती है. बहुत बार बहुत पेरेंट्स जो अनसपोर्टिव है उनके बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं. मेरी कॉम और इतने कितने हमारे स्पोर्ट्स स्टार्स हैं जिनकी फैमिली ने कभी सपोर्ट किया और वो उन्होंने बहुत कुछ किया, और कुछ बहुत सपोर्टिव फैमिलीज के बच्चे बहुत खराब हो जाते हैं. तो एक तो ये है कि हमारी खुद की चॉइस बहुत जरूरी है, हमारी खुद के एफर्ट्स बहुत जरूरी है, नंबर वन. नंबर टू, हर पेरेंट्स जो आज सुन सकता है, तो मैं पेरेंट्स को बोलूंगी कि आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनको
सिर्फ घुमाने लेके जाने के बजाय और पार्टीज में लेके जाने के बजाय उनको एक बारी एट द एंड ऑफ द डे पूछिए कि भी हाउ वाज योर डे या हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज आपको ऐसा लग रहा है, तो उनको नॉन जजमेंटली एक बारी बिना एडवाइस दिए बिना सलाह दिए एक बारी शांति से सुन के देखिए. तो आई एम श्योर आप एक बहुत गहरा बॉन्ड अपने बच्चों के साथ डेवलप करेंगे और वो बच्चे आपको कभी धोखा नहीं देंगे. तो दे विल एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट कि वो आगे जाके आपको प्राउड फील करवाएं, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स आज की सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स जो हैं हम बच्चों को सुनने का टाइम नहीं रखते या वो जानते नहीं, अवेयर नहीं होते कि बच्चों को सुनना भी होता है. ये पूछना होता है कि आज आप कैसे हो और कैसा दिन रहा आपका, और अगर बच्चा बोलते कि ये गड़बड़ थी तो चुपचाप उसको सुनना भी एक लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग बहुत जरूरी है. तो ये नंबर टू है. और नंबर थ्री है मेडिटेशन. अगर किसी को शौक हो तो मेडिटेशन जरूर ट्राई करें. मैंने मेडिटेशन ट्राई करी और उस इट कैन चेंज योर लाइफ. तो मेरी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट रहा है डेफिनेटली. तो विपासना मैंने 10 डेज का कैंप अटेंड किया जिसमें आपको 10 दिन मौन रहना होता है. आप अपने फैमिली से दूर होते हैं, अपने गैजेट से, हर चीज आप अपने घर छोड़कर आते हैं और 10 दिन आप ना किसी की तरफ देख सकते हैं ना बोल सकते हैं. और दिन में 12 घंटे आप मेडिटेट करते हैं सुबह 4:30 बजे उठ के. तो बिल्कुल वो ऋषि मुनियों वाले लाइफस्टाइल मिलता है. फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप है. साउंड्स वाओ. आई एम क्रेविंग फॉर दिस लाइफस्टाइल. आई एम क्रेविंग. कोशिश बिल्कुल जी. बहुत 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 हेल्पफुल है और बहुत इम्पैक्टफुल है. पूरे वर्ल्ड में इसके कैंप्स लगते हैं विपासना के. तो वेबसाइट पे मिल सकता है कि कहाँ पर आप करना चाहते हैं, किस डेट को डेट्स को करना चाहते हैं. फ्री ऑफ कॉस्ट है, रहना खाना सब कुछ. उनका ओनली एम ये है कि लोगों की लाइफ में चेंज आ सके. तो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. उसमें कहीं भी धर्म की या जाति की बात नहीं होती. इट इज ओपन फॉर एवरीवन. और एक और जो मैंने अटेंड किया वो ओशो के कैंप अटेंड किया है, जो कि उनकी बहुत सारी तरह की मेडिटेशंस होती हैं, कुंडलिनी और नाद ब्रह्मा. तो वो भी अटेंड किया है. दैट इज ऑल्सो ग्रेट अपनी जगह पर. तो मेडिटेशन जरूर आई वुड एनकरेज कि कोई ना कोई करे. दैट इज इट फॉर टुडे. बस मेडिटेशन बहुत जरूरी है और वो फोकस रहने में, हाँ फोकस रहने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. बिल्कुल बिल्कुल. Somehow हमें हमारे बच्चे ऐसा टाइम दे शुरू कि हम भी जाके ये सब कुछ कर सके. क्योंकि मेरे दिमाग में चलता रहेगा कि पता नहीं घर में क्या हो रहा है. Yes. आपका तो बहुत बड़ा रोल, आप तो मदर्स हैं. बहुत वो तो एक अलग ही लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं सोच नहीं सकती कि मदर इतना करते कैसे हैं. आई एम आप लोग धन्य, आप देवियां हैं, बल्कि मेरी मदर या कोई भी और मदर. हमारे बच्चों से जाके पूछो हम कितनी देवियां हैं. मॉन्स्टर्स हैं हम. हाँ, दे कॉल अस मॉन्स्टर मम्मा. मॉन्स्टर मम्मा कुछ बोल दो तो दे कॉल अस मॉन्स्टर मम्मा. यस. कोई नहीं, अभी छोटी है, बड़े होके आई एम श्योर दे विल बी वेरी ग्रेट. आई विश और आपके जैसी बेटी कौन नहीं चाहेगा. मैं तो चाहती हूँ मेरा बच्चा आपके जैसा बन जाए और कुछ नहीं. जब वो बड़ा होने लगेगा उसको रोल मॉडल समझ में आने लगेगा तो मैं बोलूंगी संजोली जैसा बन जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए. बस और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, बस इतना प्यारा बच्चा बन जाओ और क्या चाहिए. सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. थैंक यू सो मच. नहीं, आई रियली विश कि मेरी तनु की एक बेटी है, मेरा बेटा है. मैं ये चाहूंगी कि इतना इतना ठहराव उस बच्चे के अंदर आ जाए चीजों को समझने का और इतना मैच्योरिटी आ जाए. फन भी अपनी जगह ठीक है लेकिन लाइफ को किस तरीके से लेके आगे सीरियसली बढ़ना है अगर हर बच्चा ये समझ ले. और आप जैसे रोल मॉडल ऑलरेडी हैं हमारे पास, अगर वो आपके पद चिन्हों पर चल पाए तो और क्या चाहिए लाइफ में. मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी. मुझे लगेगा मेरी पेरेंटिंग सफल हो गई बिकॉज पेरेंटिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब राइट नाउ. लोगों को लगता है कि हम जाके बाहर पैसा कमाएंगे और बच्चों की फीस स्कूल में दे दी और हमारा काम खत्म हो गया. हमने तुम्हें किस चीज की कमी रखी है, हमें इतना भी नहीं मिला था. दे कंपेयर द वैल्यूज एंड संस्कार विद द टॉयज विद द लग्जरी लाइफ. जबकि ऐसा पेरेंटिंग इज द मोस्ट टफेस्ट जॉब. ये आसान है ही नहीं. आज की डेट में पेरेंट्स खुद इतने बेवकूफ है और वो बच्चे फिर मतलब कोई उनको दिशा नहीं मिलती उसके बाद वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं जो भी है. लेकिन मुझे लगता है कि पेरेंट्स का अवेयर होना बहुत जरूरी है आज की डेट में. वी आर सो बिजी मोर देन बिजी जितना हमें होना नहीं चाहिए.
और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही, और बच्चों को सिर्फ पैसा दे देने से कुछ नहीं होता है, बच्चों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वी ऑफन फॉरगेट कि बच्चे ही हमारा रियल ट्रू प्रेशियस एसेट है, उन्हीं को ही हमें अच्छे संस्कार भरने बहुत जरूरी है। आप टॉयज दे रहे हो, बच्चा खेल रहा है कि नहीं ये भी मैटर करता है ना, वो क्या चाहता है। तो ये बात संजोली ने भी बोली कि मतलब मेक अ बॉन्ड विद योर किड्स, उनसे बात करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो मैं आगे भी ध्यान रखूंगी ऑब्वियसली, बीइंग अ मदर तनु भी ध्यान रखेगी। और सच में आप जैसे लोगों को को की स्टोरीज ही, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि अगर आप लोगों की स्टोरीज देखे वो बड़े हों, और मैं कह रही हूँ दो तीन पॉइंट भी अगर वो अपने में उतार पाए कि नहीं दिस इज इंस्पायरिंग और ये मुझे करना है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना संजोली। अ ग्रेट सेशन, अ ग्रेट 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 सेशन, आई हैव नो वर्ड्स, आई एम सो स्पीचलेस। आपने इतनी अच्छी बातें की कि वापस से आपको बुलाना तो बनता है तनु, हम अनन्या के साथ संजोली को वापस से लेके आएंगे। गाइस गो वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब एंड IGTV, इट वॉज अ ग्रेट इवनिंग ऑफ माई लाइफ, थैंक यू सो मच। Thank you, Tanu ma'am. Thank you, Suruchi ma'am. It was ultimate pleasure. Thank you so much. Thank you, dear. Thank you. Bye. Thanks to you and thank you, followers. Thank you. हाँ जी बिल्कुल, listeners और followers का, they took time and they actually heard us. तो बिल्कुल. Yes. Thank you so much, dear. Thank you. Bye, everyone. Thank you. Yes. Bye bye. Yes. You too. Bye. Bye, Sanjuli. All the best. Bye. Thank you. Bye.